यस दिस इज सोविन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है भाई? यस यस, हाँ यार लेट हो गया यार। यस, क्या मेरी आवाज हर एक बच्चे को समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है अच्छे से? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? चलिए तो भाई आज ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो जाएगा। पूरा थ्योरी चैप्टर है, टेंशन मत लो, एकदम आराम से खत्म कर देंगे। ठीक है, रेडी? ओके, तो चलिए भाई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। लास्ट मंथ रिवीजन के अंदर हम आ चुके हैं एंड वाले चैप्टर की तरफ, जो कि वन शॉट लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16, 17 एंड 18। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 ये हमारा चलने वाला है। एकदम रेडी हो जाओ। क्लियर नहीं है बच्चे, आवाज क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं है मुझे देखना तो, मुझे क्या क्लियर नहीं है भाई, जरा बोलो। यस, क्या क्लियर नहीं है? बोलो बोलो बच्चे, क्या क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर आ रहा है? ओके, चलो फिर परफेक्ट है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। चलो बच्चे, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम अकरेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यार ग्रुप नंबर 16 जो होता है उसमें कौन से एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 17 में कौन से एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 18 में कौन से एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जनरली अकरेंस पहले बात करेंगे हम लोग। तो अगर मैं आपको बोलूं यार ग्रुप नंबर 16 में, ध्यान दो अच्छे से, ग्रुप नंबर 16 में कौन से एलिमेंट होंगे, तो ग्रुप नंबर 16 का जो एलिमेंट है उसको कैसे आप याद रखेंगे? ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश। क्या बोलेंगे कि भाई एक बंदा है पैर ऊपर करके टेबल को पॉलिश कर रहा है, नहीं उल्टा होके, टंटना टंटना। तो आप देखिए क्या बोलेंगे, आप देखिए क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश हो रहा है, स्टाइल से टेबल पॉलिश। चलेगा? ग्रुप नंबर 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, इस तरह से। और ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 हीलियम नो डाउट एक्सेप्शन केस माना जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। तो आप बोलेंगे हीना और करीना की एक्सरे रंगीन। क्या बोलेंगे बच्चे? हीना और करीना की एक्सरे क्या है? रंगीन है। चलेगा? हीना और करीना की एक्सरे क्या है? रंगीन है। यस, ओके। ये आपके पास बड़ा प्यारा प्यारा क्या हो गया बच्चे, ट्रिक हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, हीना एच ई को मैंने बॉक्स में इसलिए डाला क्योंकि ये जनरली एक्सेप्शनल केस दिखा रहा है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि ये जो होता है जनरली 1s2 होता है, जबकि ये सबके सब जो बंदे हैं ना, ये सबके सब बंदे कौन से ब्लॉक के लोग हैं? तो सर ये पी ब्लॉक के लोग हैं, तो आउटर मोस्ट पी होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है क्या है, एस है, तो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन दिखा रहा है, इसलिए इसको मैंने यहां पे बताया। एमसीक्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शन एलिमेंट कौन सा है ग्रुप नंबर 18 में, तो आप टिक मार्क करना हीलियम, क्योंकि हीलियम का जो नंबर है वो 1s2 है, जबकि
ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार जो जिस ब्लॉक का ऑर्बिटल होगा या जिस ब्लॉक का एलिमेंट होगा वो ऑर्बिटल एंड में होना चाहिए, बट ऐसा हीलियम के लिए नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को भी? चलिए अकरेंस की बात कर लेते हैं कि सर अकरेंस क्या होता है। अकरेंस जनरली अगर मैं बोलने जाऊं, ये एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है बोर्ड लेवल पर, बट नो डाउट, ठीक है, नो डाउट आपको थोड़ा सा पता हो गया तो भी चलेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर ये मुझे याद नहीं हो रहा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते क्या है, 16 का नाम क्या होता है, 17 का नाम क्या है, 18 का नाम क्या है, और उनके नंबर कितना होते हैं, बस इतना याद रखो आप, ज्यादा की उम्मीद नहीं। अब देखो यहां पर एलिमेंट्स पूरा फुल फॉर्म, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये मेरा क्या है, ये मेरा वेल प्रिपेयर्ड ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप नंबर 16 एंड द ऑक्सीजन फैमिली, इनको हम ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मेटल ओर आर ऑक्सीडाइज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स, तो आपने मेजरली देखा होगा कि जो ओर होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड होते हैं, और इन्हीं ओर में से कौन निकलता है बच्चे, इन्हीं ओर में से कौन निकलता है, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट निकलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैल्कोजेंस, क्योंकि ये बड़े तेजी से क्या बनाते हैं, ओर बनाते हैं, तो दे आर ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, मतलब ये ऐसे एलिमेंट है जो ओर बना देते हैं, मतलब अगर इनको निकालना होगा तो बाय डिफॉल्ट ये ओर में से निकलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के साथ में ओर बना के बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे, तो अगर आप अर्थ क्रस्ट में से भी निकालेंगे तो ये ओर में से ही रहेंगे, इसको कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ हम लोग अबडेंस यहां पर पढ़ने वाले हैं, या कुछ हम लोग अकरेंस पढ़ने वाले हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबडेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑन द अर्थ, ऑक्सीजन फॉर्म्स 20.95%, आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन हवा में 21% होता है, एक जनरल आपने पढ़ा होगा कहीं पर, लोअर क्लास के साइंस में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 21% होता है। क्या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 20.95% बाय वॉल्यूम जो है ऑक्सीजन हवा में होता है, एंड अबाउट 46.6% जो होता है बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सल्फर की बात करेंगे तो बहुत कम, 0.03% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, इट अकर्स मेनली इन कंबाइंड फॉर्म एज सल्फेट सच एज जिप्सम हो गया, जिप्सम सॉल्ट हो गया, फॉर्मूला याद करो अगर अच्छे से, ठीक है, बैरिट्स हो गया, सब एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, गैलना हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, ठीक है, कॉपर पैराइट्स हो गया, तो ये सब आपको इस ओर के अंदर कहीं ना कहीं ये ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं, सल्फर की बात हो रही है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? सेलेनियम और टेलुरियम की अगर हम बात करेंगे तो ये लोग जनरली क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड एज मेटल सेलेनाइड्स एंड टेलुराइड्स इन द सल्फाइड ओर। पोलोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव है एंड इज अ डीके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम एंड यूरेनियम, तो इनसे बनाया गया है ये। यस, क्लियर है। अगले कंटेंट की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन है सर ये लोग? अरे ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। तो फ्लोरीन हो गया आपके लिए जिसका नंबर 9 है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टरटाइन हो गया, ये लोग हम ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है। इनको हम हैलोजन बोलते हैं क्योंकि ये बड़े आसानी से सॉल्ट बना देते हैं, तो ग्रीक में हैलो मतलब होता है सॉल्ट, जिन मतलब होता है फॉर्मिंग या बॉन, इसलिए इसको बोला गया सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट, ये बड़े तेजी से सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है, बहुत तेजी से क्या बनाएंगे बच्चे, सॉल्ट बनाएंगे। अब इसके सर एग्जांपल के मतलब अकरेंस में क्या क्या पैटर्न होने वाला है उसकी बात करेंगे, तो बिल्कुल हम बात करने वाले हैं। यस, फ्लोरीन अकर्स मेनली एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स, ज्यादा करके ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के रूप में होगा, जैसे कि फ्लोरस्पार के अंदर आपको दिखा देगा CaF2 के अंदर, क्रायोलाइट आप लेंगे तो भी Na3AlF6 के रूप में दिखाई देगा, पोलरपेटाइट की बात करेंगे उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा CaPO4 ट्वाइस CaF2, एंड स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वॉटर, प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल, इन सब में फ्लोराइड या फ्लोरीन आपको दिखाई देंगे। वॉटर के अंदर कुछ और चीजें होती है, जैसे कि आपको क्लोराइड मिल सकता है, ब्रोमाइड मिल सकता है, आयोडाइड मिल सकता है, और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, इनके साथ वो आपको दिखाई देंगे। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, आपको पता है कि जो ओशन होता है उसके अंदर बहुत सारा नमक है, तो क्या है भाई वो NaCl ही तो गए, NaCl ही तो गए, आया समझ में? यस, कोई दिक्कत? चलो, हाउएवर इट मेनली कंटेन्स NaCl, देखो यहां पर दिया है कि 2.5% बाय मास,
डिपोजिट ऑफ ड्राइड अप सी बेड कंटेन सोडियम क्लोराइड एंड कार्नालाइट. कार्नालाइट आपने पढ़ा था कि कॉर्डेशन कंपाउंड के अंदर भी था कार्नालाइट, जो कि डबल सॉल्ट का काम करता है. तो KCl, MgCl2, 6H2O. मरीन लाइफ ऑल्सो आयोडीन कंटेन्स आयोडीन इन देयर सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल सी वीड कंटेन्स अप टू 0.5% आयोडीन. ठीक है, चिल साल्ट पेटर जो होते हैं कंटेन अप टू 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट. एस्टरटाइन द लास्ट मेंबर ऑफ एरोजन फैमिली इज रेडियो एक्टिव एंड हैज हाफ लाइफ ऑफ 8.1 आवर. तो हर 8 घंटे के आसपास जो आपका जो एस्टरटाइन है वो आधा हो जाता है, पूरे साइज का आधा बन जाएगा. कोई दिक्कत? यस, कोई कंफ्यूजन यहां तक? अकरेंस की बात हो रही है. अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कंटेंट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. देख लो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको फिर से बता रहा हूं, ये पता नहीं मैं कौन सी बार बता रहा हूं, मुझे भी नहीं आइडिया, लेकिन आप देख लो मजा आएगा आपको भी. हमारे पास एस पी डी एफ चार तरह के ऑर्बिटल होते हैं, लिखते हैं 1, 2, 3, 4. ठीक है, इनके मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2, 6, इनकी 10 और इनकी 14. अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना भाई, ये टेबल ड्रॉ कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s. दो लाइन छोड़ दो, 2p 3p 4p 5p 6p, चलेगा 7p. फिर दो लाइन छोड़ दो, 3d 4d 5d 6d. फिर दो लाइन छोड़ दो, 4f 5f. रेडी? अब राइट से लेफ्ट की तरफ, कहां से कहां? राइट से लेफ्ट की तरफ हर एक लाइन को फॉलो करो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है कि आपके सामने चमक जाएगा, एकदम ज्यादा चमक जाएगा, एकदम ज्यादा चमक जाएगा. नेम द क्वालिटेटिव टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अल्किन. अल्किन के लिए बच्चे हम पोटेशियम पर मैग्नेट लेते हैं. ठीक है, तो अगर आपको ऐसा पूछा गया तो बेयर टेस्ट इसको हम बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद से. बेयर टेस्ट मतलब KMnO4 की मदद से पोटेशियम पर मैग्नेट, ऐसा आप आंसर दे सकते हो सामने वाले को. ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेट हो चुका है. मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, सब नहीं कराऊंगा, बट आपको सिर्फ एक पैटर्न समझाऊंगा, इस तरह से आप कर सकते हो. जैसे कि पीछे की देख लो क्या दिया हुआ है आपको, पीछे देख ले बच्चे. अजम्पशन के लिए चलो ले लो सेलेनियम, ले लो 34 नंबर है. ठीक है, चलो मैं सेलेनियम 34 नंबर की बात कर रहा हूं. एग्जाम में आएगा तो आप कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल है, एंड में आप क्या कर सकते हो? देखो 1s2 2s2, यहां से शुरू करो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 के बाद 4p4, 34 हो गया. अब आपके दिमाग में चलना चाहिए यार इसको हम कंडेंस के रूप में भी लिख सकते हैं. तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 नंबर तक हमने आर्गन ले लिया. अब आर्गन के बाद जो छोटा नंबर है वहां से लिखना स्टार्ट करो, मतलब 3d पहले लिखो, फिर 4s2, फिर 4p4. तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. कोई कंफ्यूजन? ऐसा ही आप सब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी. समझ में आया? कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी? यस, तो ये चीज को आप फॉलो करना, आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हर एक बंदे का एकदम रेडी रहेगा, चाहे वो ग्रुप नंबर 16 हो, चाहे वो 17 हो, चाहे वो 18 हो. 18 में तो पूरा कंप्लीटली फील्ड होने वाला है, कंप्लीटली फील्ड होने वाला है, कंप्लीटली फील्ड होने वाला है. डन, आगे बढ़ा जाए. यस सर. देखो ये चैप्टर में खासियत ये है कि ऑलरेडी बस आपको एक्सप्लेनेशन देना है. मैंने आपको पहले दिन ही बोला था जब मैंने लेक्चर लिया था आपको शौर्य बैच के अंदर, कि भाई आपको ये चैप्टर जो है ना पढ़ने के बाद आपको डेली पढ़ना है. जिस दिन मेरा ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन से लेके एग्जाम तक आपको डेली
15 मिनट आप दे ही दो पी ब्लॉक को, जो बच्चा इस चीज को किया होगा आज वो एंजॉय कर रहा होगा, इस चैप्टर के साथ में एंजॉय कर रहा होगा कि सर मुझे पता है इसमें से क्या पढ़ना है, या रीडिंग तो हमको करनी ही करनी है, आपने बोला था तो हमने काफी रीडिंग की हुई है, हमको याद है काफी कुछ। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिएशन, अब ये भी पैटर्न में मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा रहा हूं कि इसमें होता क्या है। देखो ग्रुप वाइज पहले मैं बात करूंगा, ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो जनरली एटॉमिक साइज जो होता है वो बढ़ता है। उसका रीजन क्या हो सकता है, आप बोलेंगे नंबर ऑफ शेल जो होता है मेजरली वो इंक्रीज होता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है। चलेगा, कोई दिक्कत है, कोई डाउट कहीं पर भी? लेकिन अगर मैं बोलूंगी सर यही चीज हमको पीरियड में दिखानी है, पीरियड में दिखानी है, ग्रुप नंबर 16 से 17 तरफ जाना है, तो आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तब एटॉमिक साइज जो है, ध्यान देना जरा, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ऐसे लिख दो, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अट्रैक्शन इंक्रीजेस। बोलो ये बात समझ में आई? बस यही चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए एकदम, कोई कंफ्यूजन यहां पर वही स्पेसिफाई किया कि इन जनरल बोला है ग्रुप नंबर 16, 17, 18 एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देखो क्या लिखा है मैंने, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप दिख रहा है यहां पर, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप दिख रहा है, दिख रहा है, एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वांटम सेल, क्योंकि उसका शेल बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड की बात करेंगे तो ऑफकोर्स एटॉमिक रेडिया डिक्रीजेस, क्यों भाई? विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड अट्रैक्शन इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इजी हो गया एकदम? यस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बस एक लाइन में लिख दे रहा हूं आपके लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? बस ये अपने दिमाग में सेट कर लो, मतलब कि सर टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा और लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन? एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करो, द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल बच्चे। यस गजानन, क्लियर है? सेंटर जो होता है बच्चे न्यूक्लियस का, वहां से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। यस, एक एक चीज समझ में आ गई? बोलो कोई ऐसी चीज जो तुम्हें तकलीफ दे रही है? तो ये चीज समझ में आ गया। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा सर? ज्यादा लगने वाला है। तो यहां पर आप बोल सकते हैं ग्रुप में आयनोशन एंथैल्पी जो होगा बच्चा आपका डिक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। देखो डाउन द ग्रुप क्यों भाई? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। और अक्रॉस द पीरियड की बात करेंगे तो आयनोशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। चलेगा, उसके रीजन क्या है? उसके रीजन कई हो सकते हैं, बट उसमें से एक रीजन है तुम्हारा अट्रैक्शन। चलेगा, जो हमको यहां पर समझना है, एक एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, या दो दो मार्क के लिए आता है कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए। तीन क्वेश्चन, तीन टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे तीन मार्क का है ये, तीन टॉपिक दे देंगे तीन मार्क का है। समझ में आया? यस, समझा बच्चे मैंने क्या बोला? एंथैल्पी मतलब एनर्जी। यस, एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी। ठीक है, ग्रुप नंबर 16, 17, 18 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में क्या ख्याल है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन जल्दी ले लेते हैं। तो अगर मैं ग्रुप की बात करूं, बस ये की पार्ट याद रखो हमेशा, ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। क्यों सर? क्योंकि मुझे भी पता कि नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है बल्कि रिलीज करता है, बराबर। और अगर वही चीज मैं पीरियड में देखूं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है और फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिखाता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहां पे सर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल, सोचो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दिखा रहा है। आया समझ में? देखो यहां पर वही चीज, यहां पर स्पेसिफाई है ऑक्सीजन है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेक्स्ट टू फ्लोरीन अमंग ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट बोला है, ठीक है। हैलोजन हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। ऑक्सीजन अपने ग्रुप में है लेकिन हैलोजन पूरे के पूरे इसमें है, पूरे के पूरे इसमें होता है। समझ में आया? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तो भाई मजा ही कंसेप्ट है एकदम, ये कंसेप्ट नहीं है ये तो पूरा एकदम अंगार है, जो समझ ले उसको मजा ही आ जाएगा एकदम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो ग्रुप कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि भाई मान चलो कि मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, तो जनरली अगर मैं बोलने जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, क्योंकि जो बंदा इलेक्ट्रॉन लेगा वही एनर्जी रिलीज करता है, बट नीचे जाने पर तो सर कोई इलेक्ट्रॉन लेता ही नहीं है। नीचे जाने वाले लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, लेके जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, लेके जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहीं ना कहीं कम होगा, ये अपने दिमाग में सेट करना है, ठीक है। लेकिन जब मैं पीरियड की बात करता हूं तो नो डाउट लेफ्ट टू राइट जो होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इंक्रीजेस का मतलब मोर नेगेटिव, इस बात का ध्यान देना यहां पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोर नेगेटिव इसको हम बोलेंगे, डिक्रीजेस का मतलब लेस नेगेटिव, कम अमाउंट में रिलीज करता है एनर्जी। अब इसमें एक एक्सेप्शन आता है आपके लिए, एक्सेप्शन विद रीजन। अब टॉप टू बॉटम में आपको पता है जैसे कि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम इस तरह से है, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इस तरह से है। बट अगर मैं इन दोनों ग्रुप की बात करूं तो इन दोनों ग्रुप में ऑक्सीजन हैवी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यहां पर सॉरी ऑक्सीजन उल्टा कर दिया मैंने, सल्फर हैविंग, उसका रीजन बता रहा हूं मैं, सल्फर हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, इस तरह से समझो, एंड यहां पे क्लोरीन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, ये समझना है आपको। ये किसकी बात करो मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। अब यहां पर लोग कंफ्यूज कह रहे सर आपने तो बोला कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है, तो ऑक्सीजन से सल्फर जाने पर कम होनी चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ रही है, तो ये एक्सेप्शन वाला केस है, ये सब में ऐसा नहीं होता है। बाकी सल्फर से सेलेनियम उससे नीचे जाएंगे तो आपका कम ही होने वाला है, लेकिन यहां पर बढ़ जाता है। सर ऐसा क्या खास हो जाता है इनके साथ, ऐसी क्या बात हो जाती है इनके बीच में कि ये ऐसा अलग नेचर दिखाते हैं, तो उसका लॉजिक जरा समझो। जनरली इलेक्ट्रॉन की निकालने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के बाद कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है सामने वाला, कितना ज्यादा स्टेबल हो रहा है सामने वाला। अब सामने वाला स्टेबिलिटी दो तरीके से हो सकती है, एक होगा कि जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तब सामने वाला खुश हो गया और न्यूक्लियस के साथ में उसका अट्रैक्शन भी बना हुआ है, समझ में आया, तब उसको हम स्टेबल मानेंगे कि हाँ यार ये स्टेबल है। दूसरा, उसके आने से अगर हड़बड़ी मच गई, हड़बड़ी मतलब उसके बीच में रिपल्शन हो गया, ऑर्बिटल के बीच में रिपल्शन हो गया, तब वो अनस्टेबल है, या फिर उसके आने से जो न्यूक्लियस है उसका अट्रैक्शन उसके इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो भी वो अनस्टेबल माना जाएगा। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में यही चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। देखो यहां पर जो ऑक्सीजन होता है जिसका नंबर बड़ा ही छोटा होता है 8, जब इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से 1 2 3 4, अच्छा पहले में 2 ही आएगा, सॉरी 1 2 है। अब यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, जब 8वां नंबर वाला इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो इसके आने से खुशी तो बहुत मिली,
लेकिन सबके सब क्या होंगे बच्चे, अनस्टेबल हो गए, क्योंकि ये थोड़ा सा रिपल्शन होने लगेगा। इनके इनके बीच में क्या होगा बच्चे, रिपल्शन क्या होगा बोलो, रिपल्शन होगा, इसीलिए थोड़े से अनस्टेबल हो गए। जबकि इसी के सामने जो सल्फर है उसका घर थोड़ा सा बड़ा है, होता ना आपने मुंबई जैसे शहर में ऐसा होता है कि आप एक चौल में रहते हो और एक चौल के अंदर सिर्फ एक ही घर है, यस एक ही घर है बच्चे। अब उसमें अगर कोई बंदा आ गया, 1+1 नहीं एक ही है, तो आप आने से अंकल के आने से खुश तो होंगे लेकिन बाद में टेंशन भी हो गया कि अरे यार अब रात को सोने के लिए अभी दूसरे बाजू वाले के यहाँ पे जाके पूछना पड़ेगा। तो आप जाते हो बाजू वाले को पूछते हो कि आंटी आपका ऊपर का माला खाली है क्या, आंटी बोलेंगी हाँ खाली है, ठीक है चाबी ले लो जाओ एक दिन की बात है दे देती हूँ। तो इस तरह से सेटअप करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका 1+1 है, चलो भाई कोई बात नहीं अंकल आ गए तो क्या हुआ, हम 1+1 है हमारा तो हम उनको ऊपर सोने के लिए दे देंगे, है कि नहीं। तो यहां पर घर बहुत छोटा है, अंकल के आने से पूरे लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, हालांकि इलेक्ट्रॉन आ गया अच्छी बात है लेकिन डिस्टर्ब हो चुके हैं। यहां पर देखो जरा आपको समझ में आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना सारा जगह बचा हुआ है, मतलब आराम के साथ कितने होंगे भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अभी भी जगह बचा हुआ, कोई रिपल्शन का चांस ही नहीं है। ये आठवां इलेक्ट्रॉन जरा मैं अलग दिखा देता हूं, ये आठवां इलेक्ट्रॉन है जो एकदम अलग है, बोलो समझ में आया, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई यहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी, एक तो न्यूक्लियस के नजदीक भी रहेंगे ये लोग, खाना पीना भी मिलता रहेगा अंकल को बराबर, माले के ऊपर ज्यादा दूर नहीं है। अब बोलेंगे सर अगर ऐसी बात है तो फिर सेलेनियम के पास जाओ, पोलोनियम के पास जाओ, वहां तो और बड़े बड़े घर मिलेंगे। तो बड़े बड़े घर का रहना जरूरी नहीं है, इतना बड़ा घर है कि मालूम पड़े कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है, इतना बड़ा घर है। सर अंबानी के खानदान से बिलोंग कर रहे हैं ये लोग, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ऑटो लेना पड़ता है, अरे यार ऐसा गांव साइड में होता है तुम्हें नहीं पता होगा, गांव साइड में जो होता है ना एक घर उनका मेन होता है यहां पर, और एक होता है कहीं खेत में सीवान बोलते हैं या फिर उसको पाई बोलते हैं लोग, कि भाई वहां कहीं पे खेत में एकदम कोने कचड़े में कहीं घर बनाने का झोपड़ी जैसा बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि कोई जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो जनरली वहां पे सोते होते भी है मोस्ट ऑफ, ठीक है, क्योंकि वहां पे खेत होता है ना, तो जरा खेतों को बचाने के लिए जानवरों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं वहां पर बना बना के रखते हैं, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो उस वो भी तुम्हारा घर ही है ना भाई, अरे झोपड़ी है तो क्या हुआ, घर तो है ना, है कि नहीं, यस सही बात है। तो बस अपना दिमाग चला लो कि अच्छा अब अंकल आया तो अंकल को तुमने उस वाले घर पे भेज दिया, अब अंकल वहां बैठे हैं बेचारे बोर हो रहे हैं, यहां से कोई रिलेशन ही नहीं है, यहां से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस मतलब तुम्हारी फैमिली या तुम उनका अंकल के साथ कोई रिलेशन ही नहीं हो पा रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो पा रही है, इसलिए अंकल वालों बोला वहीं से कल्टी ले लिए, अंकल वालों बोला वहां पे तुमने छोड़ा अंकल वहीं से कल्टी ले लिए, है कि नहीं। ये देखो सारंग बोल रहे सर हमारे खेत में है, सर ऑब्वियसली बात है रहता ही है, वो रहता ही है, गांव साइड में आप जाएंगे महाराष्ट्र के कोने कोने में, मेरे भी गांव में मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग खेत में बना के रखते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अखाड़ा बोलते हैं, अखाड़ा नहीं रहे बच्चे, अखाड़ा भी बोल सकते हो लेकिन अखाड़ा तो एक अलग होता है जहां पर लोग कुश्ती वस्ती करते हैं, जो मिट्टी विट्टी बॉडी में लगाकर एकदम मस्त अपने आप को ट्रेन करते हैं पहलवान बनने के लिए, ठीक है वो अलग होता है, ठीक है। बट एक होता है कि झोपड़ी जैसा बना के रखते हैं कि लोग वहीं पर कहीं ना कहीं जैसे बोलते ना कुछ किसी रात अगर रुकना हो गया किसी वजह से पानी वानी ले जाने के लिए या पानी वानी खेतों में डालना है और रात को रुकना हो गया, कहाँ रुकेंगे, थोड़े हवे में रुकेंगे ऐसे ओपन स्पेस में, तो वो अपने आसपास गांव में जो खेत होता है जहां पर उनके लगातार खेत जुड़े होते हैं एक दूसरे से वहीं पर एक खेत में बना के रखते हैं जनरली, यस हमारा भी है, देखो सब लोग बोल रहे हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन के पास और फ्लोरीन का घर स्मॉलर है, हाँ बच्चे छोटी फैमिली हैप्पी फैमिली, इसलिए कोई और आता तो झगड़े होने लगते हैं यहां पर, तो ये ऑक्सीजन है और ये भाई साहब कौन है, सल्फर है, ध्यान देना यहां पर ये मैंने सल्फर बनाया है आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, जैसे इनके बारे में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं सेम एक्सप्लेनेशन आपको ये समझ लो कि आपको देना होगा किसके लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के लिए, सेम लॉजिक है, समझ में आ गया, एकदम चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए मतलब। तो यहां पर क्या बोल रहा है, जनरली अगर मैं जाने देखने जाऊं तो भाई बिकम्स लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ये सच्चाई है, जबकि ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव देन सल्फर ड्यू टू इट्स स्मॉलर एटॉमिक साइज, वैसे ही 17 नंबर में फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन, चलेगा दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, सीधी सी बात है।
नोबल गैस के पास तो भाई टेंडेंसी होती ही नहीं है, दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है, दस दे हैव अ लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, पॉजिटिव मतलब एकदम कम हो गया, क्योंकि हमको इंटरेस्ट है नेगेटिव में, हमको इंटरेस्ट है नेगेटिव में, समझ में आया, समझ में आया बच्चे, कोई डाउट किसी को भी? सर ग्रुप नंबर 16 को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, उसके बारे में कुछ बताइए, बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, ऑक्सीजन इज अ गैस व्हाइल अदर एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन है वो गैस है जबकि बाकी लोग क्या होते हैं, बाकी लोग क्या होते हैं बोलो, बाकी लोग क्या होते हैं बच्चे, डेस्कटॉप में लिख रहा है नो बैच टू डिस्प्ले हियर, बच्चे नो बैच लिख रहा है ना, इसका मतलब आपको स्टोर या कोर्सेस में जाना है, आपने सही क्लिक किया हुआ है खुश, लेकिन उसके बाद क्या करना है आपको, कोर्सेस होगा या फिर वहां पर लिखा होगा आपको स्टोर, वहां पर क्लिक करो आप ऐप में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम ट्रिलियम जो होते मेटल होते हैं, जबकि पोलोनियम जो होता है वो मेटल होता है, पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव है जो कि लगभग 13.5 या 14 दिन तक वो जिंदा रहता है, अपने पूरे पूरे साइज का 14 दिन के बाद वो आधा हो जाता है, हाफ लाइफ है इसका। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, ऑब्वियस सी बात है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एग्जिबिट्स एलोट्रॉपी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी जैसा हिसाब किताब है, यस इसकी प्रॉपर्टी जैसा हिसाब किताब है, कोई दिक्कत? बैच कोड नहीं मांगेगा बच्चे, एक बार वापस आप मैं बता रहा हूं, देखो आप जाओ डेस्कटॉप पे, बस ये टाइप करो क्लास प्लस एप डॉट कॉम, फिर जो एक ओआरजी कोड आपको लेना है जो होगा EFPNI, बोलो ये बात समझ में आई, बोलो ये बात समझ में आ रही है, बस ये चीज और ये चीज अपने दिमाग में सेट करके चलो, आपको मिल जाएगा, बाकी कुछ कोड वोड कुछ नहीं, कुछ यूज नहीं करना होता है, मोबाइल नंबर डालना होता है वो आपको पता है, डन। आगे देख बच्चे 17 नंबर के बारे में क्या ख्याल है, तो उसको हैलोजन फैमिली बोलते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन आर गैसेस, ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, F2 जो होगा वो येलो कलर का होगा, Cl2 ग्रीनिश येलो है, Br2 रेड और I2 वायलेट है इन कलर, कलर कॉम्बिनेशन याद रखो भाई, ये तो छपता है MHCCT के पेपर में, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है जहां पर ये न आया हो, तो LMR सीरीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको ना MHCCT के लिए भी आपको एक ही लेक्चर में पूरे डिटेल वीडियो मिली है, डिटेल कंसेप्ट जा रहे हैं आपके, एकदम डिटेलिंग के साथ हो रहा है सब कुछ, याद रखना इस बात को, यस आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं, यस LMR देख ले बच्चे, कोई भी चैप्टर के लिए, कोई भी चैप्टर के लिए हर्ष एकदम डिटेल में लिया सब कुछ। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ब्रोमीन आयोडीन ओनली स्पेंगली सॉल्युबल इन वाटर, कम रिएक्शन करते हैं एंड आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गए, विच गिव्स कलर्ड सोल्यूशन। तो ये बोल रहा है कि फ्लोरीन क्लोरीन जो होंगे आपको नॉर्मल पानी से रिएक्शन कर लेंगे, हाईली रिएक्टिव की बात हो रही है, ब्रोमीन आयोडीन थोड़े कम रिएक्शन करते हैं एंड सॉल्युबल होते हैं वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये लोग बहुत सारे लोगों में सॉल्युबल होंगे, जैसे कि कुछ यहां पर कंपोनेंट दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कुछ इस तरह से लगती है, ClCl को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, फिर Br को थोड़ा कम, FF को और कम, और II को सबसे कम एनर्जी लगने वाली है, तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपको याद करना है, ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ये याद करके चलो। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 को हम नोबल गैस जीरो ग्रुप बोलते हैं, नोबल गैस आर मोनोएटॉमिक, पहली बात दे आर स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत कम पानी में रिएक्शन करते हैं, नोबल गैसेस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, हीलियम का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है जो कि 4.2K होता है ऑफ एनी नोन सब्सटेंस, याद रखो नोन सब्सटेंस बोला है, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस एलिमेंट का पाया जाता है थ्रू आउट द स्पेस बोल सकते हो पूरे यूनिवर्स में, तो आप बोलेंगे कि नोन सब्सटेंस बोला गया है, आप बोलेंगे भाई हीलियम है फिलहाल के लिए, एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, चलेगा 118 एलिमेंट में से हीलियम की बात हो रही है। एनामोलस बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनामोलस बिहेवियर, इसके पहले जो मैंने कराया ये पूरी स्लाइड इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको फिर से बता दूं जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट यहां से इंपॉर्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से इंपॉर्टेंट मार्क करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, फिर यहां से बैक टू बैक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है,
तो जिन जो जो बच्चा जिस बच्चों को लग रहा है कि सर मेरा पी ब्लॉक से पढ़ के नहीं हुआ है और अब लग नहीं रहा है कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, तो मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि मैं कर पाऊंगा, अगर ऐसी हालत है आपके साथ तो भाई ये इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हो, हाँ सर कुछ सिलेक्टेड स्लाइड पढ़ सकता हूं मैं, तो वो करना है अपने को, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम में भी ये सब आया होगा, आप जाके देखो आपके प्रीलिम में भी आपको लगेगा यार हाँ सर आप जो मार्क कर रहे हो इंपॉर्टेंट, हमको प्रीलिम में भी ये पूछा गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा बट रफली पढ़ के रखना आप लोग ये तीनों, और एनामलस बिहेवियर अगेन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलेगा। यस सर, एनामलस बिहेवियर का मतलब क्या, ऑक्सीजन एकदम अलग क्यों है अपने ग्रुप में, बहुत सारे रीजन है, छोटा साइज, ठीक है, डी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा नहीं बनाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने ग्रुप में ज्यादा होती है, ऐसे बहुत सारे रीजन है, और एटमोसिटी यहां पर सिर्फ इसकी दो होती है, बाकी लोगों की पॉली होती है, हाइड्राइडिस का लिक्विड बनता है, बाकी लोगों के गैस बनते हैं, ऐसे बहुत सारे रीजन है, पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है, बाकी लोग डायमैग्नेटिक होते हैं, एटमोसिटी पहला रीजन, ऑक्सीजन डायटोमिक जबकि बाकी लोग क्या होंगे पॉली एटोमिक होंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑक्सीजन जो है बच्चे पैरामैग्नेटिक है जबकि बाकी लोग डायमैग्नेटिक होंगे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन -1 -2 +2 दिखाएगा जबकि बाकी लोग मोर देन दैट भी दिखाते हैं, मतलब -2 +2 +4 +6 तक लेके जाते हैं बाकी लोग, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्यों भाई, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। ये तीन पॉइंट समझा, इन पॉइंट समझा, चौथा पॉइंट हाइड्राइड का कॉन्सेप्ट। सर हाइड्राइड क्या होता है, नेचर ऑफ हाइड्राइड का मतलब है, जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जो हाइड्राइड है वो पानी होता है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है, H2O लिक्विड फॉर्मेट में है एट रूम टेम्परेचर, जबकि हाइड्राइड ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप आर गैसेस, जबकि बाकी लोग क्या होंगे गैसेस होते हैं। आया समझ में, आया समझ में, यस बोलो समझ में आया। T2G EG वाला कॉन्सेप्ट, अरे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत ले भाई। चलो यहां देखो जरा, कॉमन वैलेंसी जो होती है ऑक्सीजन की वो दो होती है, इन रेयर केसेस में वो फोर हो सकती है, बट फॉर अदर मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 16 को वैलेंसी चार से ज्यादा होती है। एनामलस बिहेवियर क्यों हुआ ये, उसका रीजन क्या, ये तो एनामलस बिहेवियर था लेकिन क्या रीजन उसके पीछे, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, ये तीन उसके रीजन हो सकते हैं, गो थ्रू कर लो फटाफट। नेक्स्ट, एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, सेम पैटर्न पे, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप नंबर 17 डिफर्स इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, समझ में आया, एंड द एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, नंबर 1 स्मॉल एटॉमिक साइज होगा, नंबर 2 हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, नंबर 3 एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल, और नंबर 4 लो FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये आपने देखा था काफी पीछे आया था, Cl एकदम टॉप पे रहता है, बाद में FF काफी पीछे होता है, I के जस्ट आगे, याद आया। और ये क्या क्या दिखाएगा एनामलस बिहेवियर में, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑल हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड ट्रेंड शोन बाय अदर हैलोजन्स, ठीक है, नंबर 2 आयोनिक एंड कोवेलेंट रेडिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड, नंबर 3 मोस्ट ऑफ रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, चलेगा क्योंकि इसका साइज बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स वन ऑक्सो एसिड दैट इज HOF व्हाइल अदर्स फॉर्म, बहुत सारे लोग बनाते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है एक लिक्विड है जबकि बाकी लोगों के बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, इसलिए क्या होंगे गैसेस, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है बाकी लोगों के बॉन्ड वीक होते हैं इसलिए गैसेस बनेगा। सर बाकी लोगों के बॉन्ड वीक कैसे हो गए, क्योंकि बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना होता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो डिफरेंस है वो यहां पर मिलने वाला है काफी ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं क्लोरीन ले लूं तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कम के साथ जब हाइड्रोजन मैच होगा तो गैप कम आता है, इसलिए वो क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो पाए, चलेगा कोई दिक्कत, यस। इतना याद कैसे रखे, जो बच्चा डेली बेसिस पर पढ़ रहा होगा ना उसको याद होगा सब, आप टेंशन मत ले बच्चे, जो बच्चा डेली बेसिस पे पढ़ रहा होगा ना उसको पूरा याद होगा मुंह पे, हाँ जो बच्चा नहीं पढ़ रहा उसको तकलीफ है कि सर मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है,
ऐसे कंटेंट आते तो मजा आ जाता है ना, ऐसा डिलीट करने वाला नहीं सर, बहुत मजा आता है सर, क्यों रखते हो सर ये? अरे बस रख देते यार, थोड़ा ज्यादा हमको सुकून मिलता है ना, नहीं ऐसा देखिए कि चलो एक स्लाइड नहीं पढ़नी अपने को, क्या बात है क्या बात है। नेक्स्ट देख लो, ये हमने कर लिया अभी अभी, अब आगे हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम ऐसे वर्ड टू वर्ड याद मत करो, पहली बात वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है, वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है सर। फिर क्या करना है इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझना है कि ये क्या बोल रहा है एक्चुअली। जैसे कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट हैव द कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP5, सो दे अटेन अ नोबल कॉन्फिगरेशन बाय गेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज E2- बन जाएगा, और बाय शेयरिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर्मिंग टू कोवेलेंट बॉन्ड, दीज एलिमेंट शोज -2 and +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। क्या ये बात में कोई दिक्कत है? मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे तो जो ओ वाला ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा सिर्फ -2 + +2 बनाएगा, या तो -2 बनाएगा या तो +2 बनाएगा, है कि नहीं? यस, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी किसी को भी? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया, बट मैं इसमें आपको बता दूं कि जो मेन चीज है बस वो याद करो, ओ का नंबर जो होता है ना बच्चे रेयर केसेस में, जहां जहां चेंज होता है, जैसे ओ होता है -2 मोस्ट ऑफ केसेस में, कहां पे चेंज होता है? सिर्फ ओ F2 वाले केस में ओ जो है आपका +2 बन जाएगा, तो यहां पे लिखा है +2 बन जाएगा, और पेरोक्साइड वाले केस में ये -1 बन जाएगा, अदर एलिमेंट जो है कि +2 + 4 + 6 दिखाएगा। नीचे का आप बात ही मत करो कुछ, इतना नीचे की बात ही मत करो, बस ये ध्यान दो कि +4 जल्दी ज्यादा करके कॉमन होता है। देखो द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, वाइल द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होते हैं +4 इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ये पैटर्न बस याद रखो कि +6 नीचे जाने पर कम स्टेबल होगा, +4 ज्यादा स्टेबल होंगे। नेक्स्ट 17 नंबर की बात करेंगे, 17 नंबर में अगेन NH2NP5 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनेगा? नोबल गैस, तो आइदर बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन बाय फॉर्मिंग E- या फिर वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ में और कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, मतलब वो E+ भी बना सकता है शेयरिंग करके, ठीक है। अगेन अगर मैं बात करूं कि यार सारे हैलोजन क्या दिखाते हैं, तो -1 दिखाता है, जिसमें से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर ये लोग जरूरत पड़ने पे +1 + 3 + 5 भी बना देते हैं, +7 भी बना देते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन एज वेल। सो दिस इज बिकॉज दे आर लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन एफ एंड पॉजिटिव एम्प्टी डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल एंड देयरफॉर एक्सपांडेड द ऑक्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 + 6 अकर इन द ऑक्साइड एंड ऑक्साइड एसिड ऑफ Cl एंड Br। रेयर केसेस में ये +4 + 6 बनाते हैं एसिड के केस में, बट इसका अगर मुझे आंसर लिखना होगा तो मैं यहां तक ही बोलूंगा, आगे का जो स्लाइड है इतना ज्यादा ये नहीं है, ये तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि फ्लोरिन क्यों नहीं बनाता है बहुत सारा, फ्लोरिन के पास नो डी ऑर्बिटल है इसीलिए therefore cannot expand it octet, fluorine being most electron negative element mostly वो -1 release करता। तो ये जो underline किया मैंने, ये line तो बहुत ज्यादा important है, ये दो चीज अपने दिमाग में सेट कर लो, oxidation का ये वाला point काफी important, back to back theory है पर आप trust करो कि काफी important है, ये आपको पढ़ना है, लेकिन इसके अंदर जो ये information है, ये information exam में इसके बहुत ज्यादा chances है। why fluorine not shows other oxidation, बोलो why fluorine does not show other oxidation other than -1, तो इसका आंसर यही आने वाला है, fluorine atom has no d orbital in its valence shell, ये ध्यान देना, और इसीलिए वो अपना octet expand नहीं कर पाता है, clear है? ग्रुप नंबर 18 में क्या लिखा है सर, इतना सारा भर भर के दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या पढ़ना है। पहली बात तो ये NH2NP6 का लॉजिक है, they have no tendency to gain or lose electron, so that they are zero valent and mostly exist monoatomic gases, लेकिन फिर भी जो xenon होता है, बहुत ध्यान से सुनना, xenon के अंदर आपको oxidation दिखाई देगी, xenon के अंदर आपको oxidation दिखाई देगा, यहां पे लिखा है xenon exhibit higher oxidation state, सर उसका reason क्या है? xenon shows higher oxidation state, उसका reason क्या है? what will be the possible reason for this? तो इसका रीजन देखो, यहां पर दो चीजें होती हैं, एक है लार्जर एटॉमिक साइज, दूसरा है लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है,
कि अगर साइज बड़ा हुआ तो आयनोसिन एंथैल्पी कम लगने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। ये दोनों पॉइंट को उठा के छाप देना सीधा कि ज़ेनॉन हैविंग लार्जर साइज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन ग्रुप नंबर 18, बराबर है, यस। उसके बाद जो लो आयनोसिन एंथैल्पी वाला कांसेप्ट है कि मतलब इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है। ये दो आंसर बहुत ज्यादा खास है, ज़ेनॉन हैज अ लार्ज एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनोसिन एंथैल्पी compared to HE, NE, argon, KR, and hence xenon exhibits higher oxidation state. Important, mark करो, ये छपेगा, कौन सा लाइन मैं बता दे रहा हूं आपको, ये लाइन छपेगा आपके लिए, ये ऐसे मार्क कर देता हूं मैं, ठीक है, अलग मार्कर से। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट, छपने के चांसेस गारंटीड है, बहुत ज्यादा है, समझ में आया, ये लाइन चलेगा। नेक्स्ट, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो ये सब तो फुल टाइम पास है, क्यों टाइम पास है सर, केमिकल रिएक्टिविटी में आपको जैसे टूवर्ड्स हाइड्रोजन बोला है, अब आपको पता है कि H प्लस O क्या मिलेगा, H2O मिलने वाला, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाएंगे, H2O का पैटर्न दिखाएंगे, तो मैं यहां पर लिखा ना H2E का पैटर्न दिखाएंगे, जहां पर E ये सब हो सकते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि H2O जो होता है वो कलरलेस है, ओडरलेस है लिक्विड, वाइल H2S, H2SC, H2 ये सब क्या होंगे बच्चे, कलरलेस बैड स्मेलिंग गैस होंगे, पॉइजनस गैसेस होते हैं, ठीक है। ऑल हाइड्राइड्स हैव एंगुलर स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व sp3 हाइब्रिडेशन, देखो यहां पर लिखा ना sp3, कई बार आता है कि H2S में कौन सा हाइब्रिडेशन, आप बोलते हो सर ये कंटेंट कहां से आ गया, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, अब क्या करें हम, बोलो हमको तो कहीं कुछ नहीं पूछा है, कहीं कुछ बुक में नहीं लिखा है सर, आप कहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये sp3 होता है सारे के सारे हाइड्राइड के अंदर, ठीक है। इसके बाद ग्रुप नंबर 16 जो होते हैं वो वीकली एसिडिक होते हैं, याद रखना, एसिडिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस व्हाइल थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस फ्रॉम H2O टू H2ET, तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो, देखो यहां पर ये याद कर लो, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, ये ऑर्डर याद रखो, तो H2O में से H का निकालना मुश्किल है, अरे H2O में से H का निकालना क्या है, मुश्किल है, मतलब इसकी एसिडिटी सबसे कम, फिर H2S में से H का निकालना थोड़ा इजी है, H2 में से SE को निकालना और ज्यादा इजी है, H2TE बहुत ज्यादा इजी है, मतलब कि बोल रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द हाइड्राइड इंक्रीजेस, देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, यस सर, लेकिन अगर मैं बोलू थर्मल स्टेबिलिटी, आपको क्या लग रहा है हीट कहां पे आके ज्यादा रुक सकता है, तो मैं बोलूंगा पानी को गर्म करेंगे ना, कभी आपने ऐसा देखा कि पानी को गर्म किया और बाद में बर्नर बंद किया तो पानी ठंडा हो गया, ऐसा कभी हुआ आज तक, पानी फिर उबल रहा है पानी के अंदर, मजबूत वाला उबाल आ रहा है और आपने बर्नर बंद कर दिया और पानी ठंडा हो गया, चलो भाई पानी ठंडा हो गया मैं हाथ डाल देता हूं उसके अंदर, ऐसा कभी किसी ने किया है, जल्दी बोलो कोई भी, यस पानी ठंडा हो गया सर, अभी करने का अपने अभी नहाने का, चलो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, मम्मी ने पानी गर्म किया, मम्मी ठंडा पानी चाहिए था, अरे सॉरी बेटा भूल गई मैं, चलो बर्नर बंद कर देती हूँ, अब तुम नहा लो ठंडा पानी हो गया, ऐसा होता है कभी, नहीं सर, मतलब इट हैज अ टेंडेंसी टू होल्ड द हीट अमाउंट, जबकि गैस में ये नहीं होता, जो गैस रहेगा ना गैस वो अगर गर्म है तो गर्म है, ठंडा है तो फट से ठंडा हो जाएगा, उसके पानी तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका मतलब कि इसके अंदर कैपेसिटी होती है पानी के हीट को होल्ड करने की, जिसको हम बोलते हैं कि थर्मली स्टेबल होता है, इसीलिए H2O या फिर आप उल्टा करके लिख दो कि भाई H2TE बहुत ही कम, H2SE और थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और सबसे ज्यादा H2O, H2O के अंदर थर्मली ज्यादा स्टेबल माना जाता है, क्लियर है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन, H2O को छोड़ के बाकी सबके अंदर अच्छी खासी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, ठीक है, रिड्यूसिंग मतलब जो आसानी से H को रिलीज करे, तो ऑब्वियस ये बात है ये लोग बड़े तेजी से H को रिलीज करेंगे, साइज बड़ा होता है ना बच्चे, H का बड़ा तेजी से रिलीज करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17 के साथ में H2 और Cl2 बोलो, यस yes. बोलो क्या है बच्चे, ग्रुप नंबर 17 क्या बोल रहा है कि भाई अगर H2 और H2 को मिलाएंगे तो 2HX बन जाएगा, अब आपको H के ये सब ले लो आपको आंसर मिल जाएगा, एसिडिक ऑर्डर आप बचपन से पढ़ रहे हो, HI बड़ा साइज वाला, ज्यादा एसिडिक कम वाला छोटा एसिडिक, इसका जो HX का बॉन्ड होगा बेसिकली HF का बॉन्ड एकदम स्ट्रांग होता है, HI का सबसे छोटा होता है, एच का सबसे कम होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि साइज बड़ा होता है, तो ये दिखाना है थर्मल स्टेबिलिटी उल्टा कर दो, HF का साइज छोटा है तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा थर्मली,
ये तीन चार चीज आपको एकदम इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो कि आपको आनी चाहिए, केमिस्ट्री सीट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 18 में ज्यादा तामझाम नहीं अपने को, ठीक है, दे आर केमिकली इनर्ट टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड ड्यू टू विच दे आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में दो चीजें बन सकती हैं, ईओ थ्री पैटर्न भी हो सकता है, ईओ टू पैटर्न भी हो सकता है, जैसे कि ओ टू प्लस ओ मिल गया तो क्या बन जाएगा, ओ थ्री बन जाएगा, या एस प्लस ओ टू क्या बन जाएगा, एसओ टू भी बन सकता है, एस प्लस ओ टू से थोड़ा एक्सेस अमाउंट मिला तो एसओ थ्री भी बन सकता है। तो ओजोन ओ थ्री हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, ये सब गैसेस होते हैं, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड आपका ये सॉलिड है, दे आर एसिडिक इन नेचर एंड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। तो कोई भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, ध्यान से सुनो जरा जो लिख रहा हूं, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड को जब आप पानी मिलाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपको ये H2SO3 जैसी चीजें देगा, दिख रहा है, सल्फ्यूरस एसिड, सेलेनियस एसिड, कोई दिक्कत। और जब आप तीन वाला लेंगे, तीन वाला मतलब कि EO3 टाइप जब आप लेंगे तो उसके अंदर SO3, SeO3, TeO3 आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर एंड दे डिजोल्व इन वाटर टू गिव, जैसे यहां पर हो गया सेलेनिक एसिड, टेलुरिक एसिड, वैसे हो सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, आया समझ में, यस। चलो एलिमेंट नंबर 17 की बात हो रही है, सर 17 में क्या होने वाला खास, तो 17 नंबर में अगर मैं बोलूं तो 17 नंबर के साथ में मैं रिएक्शन करने वाला हूं O2 का, मतलब कि ये जनरली X हैलोजन एटम का मैं रिएक्ट करने वाला हूं किसके साथ में बच्चे, O2 के साथ में, O2 के साथ में, मतलब कैसे करेंगे सर जरा सोचो, पहले देखो जरा यहां पर O2 की बात हो रही है, तो यहां पर बोला है कि फ्लोरीन एटम फॉर्म टू ऑक्साइड्स OF2 O2F2, O2F2 ये दो बनाएंगे, OF2 जो है कि थर्मली स्टेबल होता है और दोनों के अंदर फ्लोरीन ज्यादा होता है इसलिए उसको फ्लोरिनेटिंग एजेंट के नाम में के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। बाकी यूजेस दिया हुआ है, ये आप एंट्रेंस के लिए पढ़ सकते हैं कि भाई इसका यूज हम न्यूक्लियर फ्यूल के लिए करते हैं, ठीक है, या वहां से लेते हैं। एलोट्रॉपी की बात करेंगे सर, ये एलोट्रॉपी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन इसके अंदर, एलोट्रॉपी इंपॉर्टेंट है पहली बात, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हम सबका एलोट्रॉपी नहीं पढ़ने वाले हैं, एलोट्रॉपी में सिर्फ और सिर्फ एलोट्रॉपी के अंदर हम ग्रुप नंबर 16 को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। तो क्या होने वाला है देख लो, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एग्जिबिट एलोट्रॉपी, ऑक्सीजन हैज टू एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप्स O2 एंड O3, सल्फर एग्जिस्ट इन अ नंबर ऑफ एलोट्रॉपिक फॉर्म रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। मैं आपको एक तरीका दे देता हूं सिंपल सा, ओ स्टाइल से टेबल पॉलिश, यहां पर ले लेता हूं मैं एलोट्रॉपी का, मैं आपका एकदम आसान कर देता हूं, ओ के अंदर दो होते हैं, कौन कौन से लोग होते हैं, एक ऑक्सीजन एक ओजोन, क्या ये बात समझ में आई, अच्छा ये हमको आगे दिया इसी में दिया, देखो ओ टू प्लस ओ थ्री, सल्फर के अंदर दो होते हैं, कौन कौन से, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, RHOM, मतलब आपका ना समय बच जाएगा यार, आप समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ना उससे आपको छुटकारा मिल जाएगी थोड़ी सी, सेलेनियम के अंदर भी दो मिलेगा आपको, जरा देखो नीचे तरफ पढ़ो, सेलेनियम एक्सिस्ट इन टू एलोट्रॉपिक दैट इज कॉल्ड एज रेड और ग्रे, रेड जो कि नॉन मेटालिक है, और ग्रे लेने वाला हूं जो मेटालिक रहेगा, टेलुरियम और पोलोनियम, मतलब एक अल्फा बीटा और एक अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, तो ये आपका क्रिस्टलाइन अमॉर्फस है और दूसरा आपका मिल जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, तो ये अमॉर्फस क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस लिखो, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस अल्फा बीटा, चेक कर बच्चे, पूरा का पूरा आपका शॉर्टकट में यहां पर एकदम हाजिर हो चुका है, ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं आपको, यस। सल्फर के क्या होते हैं भाई, सल्फर के दो होते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, दोनों नॉन मेटल होते हैं, जबकि सेलेनियम के मैंने बताया आपको कि एक रेड होता है और एक ग्रे होता है, नॉन मेटल और मेटालिक, जबकि टेलुरियम का मैंने बोला आपको दो होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस, और पोलोनियम जो होता है उसके भी दो होते हैं, दोनों मेटालिक होंगे, एक अल्फा और एक बीटा,
कोई दिक्कत। अब हम क्या करने वाले हैं सर, एलेट्रॉप ऑफ सल्फर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यहां पर रोमिक सल्फर जिसको हम अल्फा सल्फर बोलते हैं, और यहां पर मोनोक्लिनिक सल्फर जिसको हम बीटा सल्फर बोलेंगे। बोर्ड पर्पज के लिए चार पॉइंट आप कोई भी पढ़ के जाओ अच्छे से, कलर पढ़ लो। ये पेल येल्लो होता है जबकि ये ब्राइट येल्लो होता है, ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल होता है जबकि ये नीडल सुई जैसा होता है, ये 385.8 केल्विन इसका क्या है बच्चे मेल्टिंग पॉइंट है जबकि ये 393 है, थोड़ा सा ज्यादा होगा इसका। डेंसिटी 2.069 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जबकि यहां पर 1.989 सेंटीमीटर क्यूब है। वॉल्यूम डेंसिटी के रूप में तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सॉलिबिलिटी की बात करें तो ये इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन CH2, ये सिर्फ सॉल्युबल इन CH2 होगा। डन। ये स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबल बिलो 369 जबकि ये स्टेबल अबव 369, ये ध्यान देना यहां पर, जबकि दोनों का लास्ट वाला पॉइंट दोनों कॉमन है, दोनों को बनाने का तरीका सेम होता है या उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अलग है दोनों का, ये इवेपोरेशन होता है रोल सल्फर को CH2 के प्रेजेंस में, जबकि ये हम पहले क्या करते हैं मेल्ट करते हैं, एक डिश में कूल करते हैं, फिर उसके बाद हम होल बनाते हैं उसके अंदर क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट द गिव नीडल शेप। मतलब इस तरह से मैंने क्या किया, कुछ पिघला दिया फिर उसको ठंडा कर दिया, उसमें होल डाल दिया, फिर उसके अंदर और लिक्विड पोर करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है नीडल जैसा आंसर दिखता है। तो ये आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सा एसिड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये पढ़ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन में चार पॉइंट ही पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं, और यहां से ऑक्सा एसिड भी इंपॉर्टेंट है, और इसके आगे क्लोरीन का सॉल्ट बनता है या क्लोरीन का एसिड बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन का एसिड बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो सर ये क्या है, नाम पढ़ो उसका स्ट्रक्चर बनाना है। सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, कुछ नहीं करना है, जितना एस लोगे उसके ऊपर उतना ओ लगा दो। यहां पर एस कितना दिया एक और ओ कितना दिया तीन, तो एक दो तीन। अब सल्फर की बॉन्डिंग 2, 4, 6 इतनी होती है, ठीक है। ये डायग्राम आया था प्रीलिम में, हाँ बच्चे ये बोर्ड में भी आएगा शायद, 6 बॉन्डिंग होती है। तो आपका बस ये चलना चाहिए यार एच मेरे पास 2 है, पहले दोनों एच लगा के ओ को पूरा करो, अब इसका डबल बॉन्ड लगा दो, कितने हो गए 1, 2, 3, 4 हो गए सर, बस यही हमारा आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब बोलेंगे सर सल्फर के पास तो 6 बॉन्डिंग होती है, यहां पे तो सिर्फ हमको 4 ही दिख रहा है, अगर सिर्फ 4 दिख रहा है बच्चे तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, यही आपको यहां पर दिखाया है 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत। सल्फ्यूरिक एसिड देख लो वही सेम चीज, एक सल्फर के ऊपर, अब मैं यही पे दिखा रहा हूं, एक सल्फर के ऊपर 4 अटैचमेंट, पहले ओ लगा दो 1, 2, 3, 4 H2 है, यहां पर 2 ओ लगा दिया, बाकी जगह डबल बॉन्ड, आपका आंसर पूरा हो गया। डन। नेक्स्ट देख लो यहां पर ये थोड़ा सा झोल था बुक के अंदर, बुक के अंदर भाई झोल है, बुक के अंदर फुल झोल झपाटा दिया हुआ है, कैसे करेंगे, SOS 1, 2, 3 1, 2, 3 उसके बाद 1, 2, 3, 4 हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो, एच कैप कितना बोला है 2 बोला, तो एक एच यहां लगा दो, एक एच यहां लगा दो, बाकी जगह पे डबल बॉन्ड लगा दो, दिस इज द फाइनल आंसर, कोई दिक्कत। ये आपका फाइनल आंसर हो गया जो कि पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के रूप में जाना जाता है। फिर ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, पेरोक्सी बोला तो 2 ओ को साथ में ले लो क्योंकि आपको पेरोक्साइड का फीलिंग आएगा, ठीक है। पेरोक्सी डाय सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहां पर ये आपको SO2 हो जाएगा इस तरह से, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। बुक में ये भी गलत दिया है इसलिए मैंने यहां से हटा दिया इसको, यहां पर H ले लो, यहां पर H ले लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, यस कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, कोई डाउट है तो बता दो। थायो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर थायो मतलब हो गया एस, सल्फ्यूरिक मतलब भी एस, एस एस का डबल बॉन्ड लगाना है आपको, ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी चीजें सेम पैटर्न में जाएंगे आगे। ऑक्सा एसिड ऑफ हैलोजन, ये आपको याद नहीं करना है कि भाई ऑक्सा एसिड मुझे याद करना है, बस इसके बेसिस पे आपको अगला एसिड है जो आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिस पे अगला एसिड है जो आपको पता होना चाहिए। यस कोई डाउट कहीं पर भी किसी को भी, कहीं पर कोई कंफ्यूजन है बोलो। यस हाइपोक्लोरस बोला है तो 1 O, सिर्फ क्लोरस तो 2 O, क्लोरिक बोल दिया तो 3 O, और पर मतलब 1 क्लोरिक मतलब 3, तो पर मतलब 1 क्लोरिक मतलब 3, मतलब 3 और 1 4 O, कुछ नहीं करना है बस आपको इसको ब्रेक करते जाओ। HOCl
फिर एच ओ सी एल ओ टू, एच ओ सी एल ओ थ्री, एच ओ सी एल ओ फोर, ऐसा करते जाना है, ठीक है, एकदम इजी। नेक्स्ट डाई ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अरे सर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, इजी है, इजी है, लेबोरेटरी मेथड है। पहले क्या करना है, पोटेशियम क्लोरेट को हीट करो, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ MnO2, आपको KCl बाहर जाएगा और O2 बन जाएगा, बैलेंस कर दिया आंसर आ गया। या फिर AgO को हीट कर दिया तो Ag बाहर चला गया, O2 बन जाएगा। या हम मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करेंगे तो मर्क्यूरी बाहर चला गया, O2 बन जाएगा। ये पैटर्न भी आपके लिए यहां पर वैलिड हो सकता है, चलेगा। या PbO2 को हीट किया तो यहां पर PbO बन गया और एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपका O2 बन गया, निकल जाएगा। H2O2 से भी आप O2 निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस में पानी को भी तोड़ के आप O2 बना सकते हो, ठीक है, H2O2 के रूप में टूट के निकल जाएगा। ये सब इतना ज्यादा ये मत करना कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है करके। इंडस्ट्रियल मेथड में डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम एयर, फर्स्ट रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड द रिमेनिंग गैसेस आर लिक्विफाइड। मतलब कि आपको इंडस्ट्रियल में हम एयर से ही बनाते हैं जनरली, अगर आप बोलने जाएंगे तो, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये पढ़ के जाइए, चलेगा। ये कलरलेस ओडरलेस गैसेस होते हैं, डाइऑक्सीजन इज स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है पानी के लिए, पानी में, ठीक है, इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ कहीं ना कहीं जिंदा होती है। देखो सफिशियंट फॉर एक्वाटिक लाइफ, इट लिक्विफाइज एट 90 केल्विन एंड फ्रीजेस एट 55 केल्विन। ऑक्सीजन हैज थ्री स्टेबल आइसोटोप्स O16, 17, 18, और ये पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है? पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाता है। चेक करते चलो, चेक कर बच्चे। केमिकल प्रॉपर्टी विद मेटल्स की बात करेंगे, कैल्शियम प्लस ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। सिंपल है, प्लस माइनस आपको करना है, सी प्लस ओ टू सी ओ टू, यहां पर बन जाएगा पी फोर ओ टेन, मतलब नॉन मेटल के साथ में रिएक्शन। और मेटल के साथ में जो रिएक्शन होता है ना उसको हम बेसिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये दोनों जो है ना मेटल के ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड विल बी बेसिक इन नेचर। ये अपने दिमाग में सेट करके चलना, ठीक है, तो ये अपने दिमाग में चेक कर लो। अब यहाँ पे कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो आप और जैसा ले रहे हो, मतलब या कोई कंपोनेंट पहले से है उसमें ऑटो मिला रहा हूं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड प्लस ऑटो लिया तो एस प्लस ऑटो, एस ऑटो बाहर, जिंक बन गया बाहर, तो वो जिंक और ऑक्साइड बन जाएगा बाहर। इस तरह से मीथेन में आप बोल सकते हैं कि सी प्लस ऑटो, एच प्लस ऑटो, एस ओ थ्री बन जाएगा वी टू ओ फाइव में। यहां पर भी देखो, यहां पर सी एल टू बाहर चला गया और एच टू ओ आपका बन जाएगा यहां पर। तो ये सब बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं, यूजेज इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, तो यूजेस को पढ़ के जाओ घर से। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सस्टेन एनिमल एंड एक्वाटिक लाइफ, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, इट इज एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो कि कटिंग और वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज इन हॉस्पिटल्स, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड मॉनिटरिंग के लिए करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन कम्बशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, तो कम्बशन ऑफ फ्यूल आपको पता है, किसी भी चीज को जलाने के लिए O2 चाहिए ही चाहिए, गारंटीड है कि नहीं। नेक्स्ट सिंपल ऑक्साइड क्या होता है, अभी ऑक्साइड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करो, ये पेपर में इस बार छपेगा शायद, मुझे लग रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि ऑक्साइड को पूरा एक्सप्लेन करो। तीन तरह के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तीन नहीं इन्फिनिट ऐसे देखो तो चार तरह के हो जाएंगे। देखो यहां पर दिया है आपको एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल, ये चार तरह के होते हैं। एसिडिक वाला कौन होगा बच्चे? तो क्या बोलने का, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे। बेसिक कौन होगा? मेटल के ऑक्साइड बेसिक होंगे। एम्फोटेरिक जो दोनों के साथ में रहेगा, और न्यूट्रल न तो एसिडिक न तो बेसिक। समझ में आया? समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? यस, क्या बोलेंगे? ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। अब सिंपल बोलो, ऑक्साइड विच डिजोल्व इन वाटर टू गिव एसिड एंड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट, पहला हो गया आंसर। एग्जांपल्स आपके मन की मर्जी है, कोई भी ले लो, है कि नहीं। दूसरा बेसिक ऑक्साइड, सर ये रिएक्ट करेगा तो हमको जो बनाएगा वो बेस बनाएगा, और ये रिएक्ट किससे करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। एग्जाम्पल कोई भी ले लो, इस तरह से कुछ भी उठा के ले लो, आपके मन की मर्जी है, यहां पर भी चलेगा। लेकिन इस केस में बोलना है आपको कि एम्फोटेरिक वो लोग होते हैं, द ऑक्साइड विद विच रिएक्ट्स विद द बेस एज वेल एज विद द एसिड टू गिव अ सॉल्ट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। आप एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लो, Al2O3 वाला NaOH के साथ में और HCl के साथ में, और न्यूट्रल वाले में दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल, तो NO हो गया, N2O हो गया, CO हो गया, कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल आपको लेना है यहाँ पर, डन, ये इंपॉर्टेंट है, छपेगा। ओजोन की बात करेंगे, ओजोन जो होता है बच्चों क्या करता है, तो नो डाउट यूवी लाइट से हमको क्या करता है बच्चे, प्रोटेक्ट करता है। फॉर्मूला ओ थ्री कैसे बनता है, ओ टू को हम रिएक्ट कराते हैं, टूटता है ओ और ओ में, और वही वाला ओ टू के साथ मिलकर ओ थ्री बन जाता है।
चलेगा, लेयर ऑफ ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, इसीलिए इसको बोलते हैं ओजोन अम्ब्रेला। कहीं कहीं आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन अम्ब्रेला, बोलते हो ये क्या सीन है, ये क्या आ रहा है सर, ओजोन अम्ब्रेला मतलब क्या होता है, हमको नहीं समझ रहा है, बोलो। यस, तो अब समझ में आया ओजोन अम्ब्रेला मतलब क्या है, ओ थ्री का फॉर्मेशन बताना है आपको। देन प्रिपरेशन ऑफ ओजोन, मैंने पहले बता दिया कि ओटो को आप रिएक्ट करेंगे तो आपको ओ थ्री मिल जाएगा, इसमें इतना सारा डेल्टा है जो आपका बाहर जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो सकता है ओजोन के लिए, ओजोन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्योर ओजोन इज अ पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड एंड वॉलेट ब्लैक सॉलिड होता है। ओजोन हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल व्हेन इनहेल्ड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अबाउट 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन, तब ये जो है ना आपके नाकों में तकलीफ क्रिएट करेगा और हेडेक करेगा, और ये डायमैग्नेटिक होता है, जबकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ये डायमैग्नेटिक है। डन। उसके बाद सर सल्फर डाइऑक्साइड, जहां पर कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपरेशन में क्या बोलेंगे, फ्रॉम सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग बर्न कर सकते हैं, सल्फर को बर्न कर सकते हैं और O2 के साथ में, और हमको आंसर मिल जाएगा। तो S प्लस O2 SO2 जो दूसरा इसके अंदर आता है फ्रॉम सल्फाइड, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, बट आपको जस्ट पता होना चाहिए कैसे बन रहा है। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड प्लस H2SO4। अब Na जरा चला जाएगा SO4 के पास, तो क्या बन जाएगा Na2SO4, H और O क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या बचा यहां पर SO2 बचा जो बाहर चला गया, समझ में आया। फ्रॉम सल्फाइड इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं, जिंक सल्फाइड से O2 मिलाया, देखो क्या मिल गया SO2 मिल गया। अब यहां पर दूसरा एक मेथड है आपके लिए, आयरन पायरेट बोलते हैं इसको हम लोग जनरली, तो FeH2 में अगर हमने O2 मिलाया तो भी हमको क्या मिल जाएगा बच्चे SO2 बनने के चांसेस रहेंगे, Fe2O3 के साथ बनता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी अगेन इंपॉर्टेंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड का जो कलरलेस गैस होता है, बाकी है बहुत ज्यादा बदबूदार होता है, ये पॉइजनस भी नेचर में होता है। SO2 इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बॉइल्स एट 263 केल्विन। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप समझ सकते हो कि बहुत कम होता है, 263 मतलब काफी कम है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। रिएक्शन विद Cl2, ये सीधा सीधा रिएक्शन करेगा, जो प्रोडक्ट वही बना देगा, ये एग्जाम में आ सकता है, ये रिएक्शन एग्जाम में आ सकता है, मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन को इंपॉर्टेंट बोलूंगा, समझ में आ रहा है। रिएक्शन विद O2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा सीधा बन जाएगा ये भी, ठीक है, ओके ये ठीक है, बस आप पढ़ के रखो क्या होता है Na2SO4, पढ़ने के ऊपर, पहले पढ़ा होगा तो करेंगे, नहीं पढ़ा तो फिर अननेसेसरी आप टाइम वेस्ट मत करो अभी, ठीक है। रिएक्शन विद Na2SO3, तो Na2SO3 में पानी मिलाया तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने इसके अंदर SO2 मिलाया तो H को कॉमन ले लो, सब कॉमन ले लो, आपको मिल जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है, इस तरह से सब कॉमन ले लो, पूरा 2 कॉमन लेके आप पूरा आंसर बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि Fe3+ का कन्वर्जन Fe2+ में हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपको इस रिएक्शन में फोकस नहीं करना, लेकिन हाँ यहाँ पर एक चीज बोला है, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइजेज एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट। सर पोटेशियम पर मैग्नेट कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, और SO2 आके क्या करेगा, उसको डीकलराइज कर देगा, पूरा कलरलेस कर देगा। ये प्रॉपर्टी किसके अंदर है, SO2 के अंदर है, तो इस बात का ध्यान देना कि आपको आ गया कि भाई कौन करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड करता है। ये देख लो जरा, ये भी बस रेफरेंस के लिए आपको दिया है कि मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है रिड्यूसेस हैलोजन एटम टू हैलोजन एसिड, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ SO2 ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 इज इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। रेजोनेटिंग का मतलब एक बार डबल बॉन्ड इस साइड, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड, एक बार डबल बॉन्ड इस साइड, बस सिंपल बोलना है, विद अ प्रॉपर इलेक्ट्रॉन, और इनके जो बॉन्ड एंगल होते हैं 119.5 डिग्री विद OSO का बॉन्डिंग, और इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज होता है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि दे फॉर्म दे आर द बॉन्डिंग इज फ्रॉम डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, बोले समझ में आया, और इसको हम रेजोनेंस बोलेंगे और इनके स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जहां पर यूजेस की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क, एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन को निकालने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 सोडियम बाइसल्फाइड लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज सॉल्वेंट टू डिसॉल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है प्रॉपर यूजेस दिए गए, गोत्रो करो जल्दी से, गोत्रो करो बच्चे, यस एक एक चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेस है,
सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्टैक्ट प्रोसेसर ये कैसे करेंगे? कुछ नहीं, तीन स्टेप्स है इसके अंदर। प्रिपरेशन में पहला आपको सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूजिंग थ्री स्टेप्स, सिंपल एकदम। स्टेप नंबर वन, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। मैंने तरीका बताया था, पांच बीकर बना के बस आपस में इनको ऐड करना सीख लो। पांच बीकर बनाने का, जिसमें से तीन बीकर नजदीक नजदीक, एक दो तीन चार पांच। अब इनको सिर्फ जोड़ने का, ऐसे यहां पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे तामझाम कर दो, फिर यहां पे ऐसे जोड़ दो, आंसर बन गया। आप कुछ लेबलिंग कर देना, लिमिटेड लेबलिंग कर देना, जो आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो। यहां से आपका SO2 जो है कि आपका बाहर आ गया, खत्म, गेम ओवर। समझ में आया? अपने लेवल पर इस तरह से ट्राई करो। अब इसके अंदर क्या होता है, पहला स्टेप, स्टेप नंबर वन क्या होगा बोलो? यस, स्टेप नंबर वन क्या होगा बोलो? यस, एग्जाम में निकालना होता है बच्चे। स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना है, सल्फर या सल्फाइड ओर से आयरन पायराइट से आपको बर्न करके या रोस्ट करके आपको क्या करना है बच्चे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है, जो कि आप जानते हो। ये पहला स्टेप ले लो। अगर आपको दूसरा रिएक्शन याद है तो ही लिखना, नहीं याद है मत लिखना, चलेगा, क्योंकि आपको और करके बोला गया है, कोई भी एक मेथड फॉलो करेंगे। डन। दूसरे में सल्फर डाइऑक्साइड को आप ऑक्साइडाइज वापस से करेंगे वेनेडियम पेंटोक्साइड के साथ में, जो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड बना के देगा। तो ये बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है। आइए, कुछ लिखने की जरूरत नहीं तुमको, ये सब बोल वचन मत लिखना नीचे। अब नंबर थर्ड में सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, इसको जनरली हम इज एब्जॉर्ब्ड इन अ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलम। ओलम का मतलब H2H2O7। कई बार पूछा गया ओलम का फॉर्मूला, इस बार भी आ सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, SO2 प्लस H2SO3 लिया, अपना दिमाग चलाओ, H कितना हो गया भाई, 2 हो गया, और O कितना हो गया सर, 7 हो गया। बस इसको कंडेंस फॉर्मूले के रूप में लिख दो या फिर एडिशन के रूप में लिख दो, ये बन गया ओलम। और ओलम में जब हम पानी मिलाएंगे तो दो बार सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया, यही हमारा आंसर है। दैट इज द फाइनल आंसर ऑब्टेन बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया हमको 96-98% प्योर। चेक कर बच्चे, तीन स्टेप, मात्र तीन स्टेप। पहले स्टेप में क्या बोलेंगे बोलो, पहले स्टेप में क्या बोलेंगे सर, पहले स्टेप में S प्लस O2, दूसरे स्टेप में SO2 प्लस O2 विल गिव SO3, तीसरे स्टेप में SO3 के अंदर मैंने H2SO4 मिलाया जिससे ओइलम बनता है, और चौथे स्टेप में ओइलम, चौथा स्टेप मतलब उसी को तीसरा स्टेप बोलेंगे, उसी के अंदर तीसरा स्टेप बोलेंगे कि आपको H2SO ओइलम भी बनेगा और ओइलम के अंदर पानी मिला के एसिड भी बना देंगे दो बार। डन। फिजिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है जनरली एक कलरलेस डेंस एंड ऑयली लिक्विड होता है। इट हैज अ डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, ऑफ 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर एट 290। इट फ्रीजेस एट 283 केल्विन, बॉइल्स एट 611 केल्विन। इट इज हाईली कोरोसिव होता है, प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न ऑन द स्किन। आपको पता है एसिड अटैक जो होते हैं वो यही डेंजर चीज होती है। कॉन्सेंट्रेट बहुत खतरनाक होता है भाई, हड्डी तक गला देगा आपका, हड्डी भी जला देता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बस ये अपने दिमाग में सेट करना है कि अगर कुछ भी हो जाए मैं जो है कि इन चीजों के साथ में खिलवाड़ नहीं करने वाला हूं। लैब में भी आप जो भी पर आप साल भर निकाले होंगे ये एक कोने में रखा जाता है, और टीचर क्या बोलते हैं लाइन लाइन से जाओ, और ड्रॉपर होता है अंदर, ऐसे नहीं कि डर्टी तुम पलटी मार रहे हो, ड्रॉपर होता है। और साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, शायद बहुत सारे लैब में वहां पर डेंजर लिखा होता है ना, बहुत सारे लैब में से क्रॉस रहेगा, डेंजर लिखा रहेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। चलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। बोलो केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। पहला है एसिडिक प्रॉपर्टी, ऑब्वियस बात है, सल्फ्यूरिक के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा मिलती है, क्योंकि ये दो बार अपना H+ रिलीज करेगा, पहली बार रिलीज किया HSO4 मिला, दूसरी बार फिर रिलीज करेगा वापस से, मतलब ये जो है इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ग्रेटर वैल्यू ऑफ Ka यहां पर होती है, मींस इसका एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा माना जाता है, और HSO4 ज्यादा एसिडिक होता भी है लॉजिकली। रिएक्शन विद मेटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना कि इसके अंदर अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो Cu प्लस SO4 और आपका यहां पर SO2 बन जाएगा, H2 बार चला जाएगा, ठीक है, मतलब ये रिड्यूस टू SO2 बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये भी बेसिक सा है, सल्फर साथ रिएक्ट किया तो SO2 बन गया, H2 बन जाएगा, कार्बन से किया तो CO2 बन जाएगा, SO2 प्लस H2 बन जाएगा। डिहाइड्रेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, मार्क करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट देते जा रहा हूं पी ब्लॉक में। जिन बच्चों को अभी तक नहीं पढ़ा हुआ इस चैप्टर को, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ सकते हो ना बच्चे। यस और नो बिल्कुल। तो सर क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं है, शुगर होता है ना आपका, तो शुगर को हमने क्या किया, एक कार्बोहाइड्रेट मानते हम लोग,
शुगर को इसके बेंच में हमने हीट करना स्टार्ट किया, पानी पूरा उड़ गया, सिर्फ काला कार्बन बचेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चैरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चैरिंग बोलते हैं। यही आपको यहां पर दिया गया है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड रिमूव्स वाटर फ्रॉम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड एज शुगर चारकोल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चैरिंग। नीचे रिएक्शन में दिया है, ये शुगर का फॉर्मूला है। हीट किया, 12 कार्बन बचा और 11 पानी बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। डन। रिएक्शन विद सॉल्ट, बेसिक सा रिएक्शन है। यहां पर ये इस रूप में इसको तोड़ दो, HHSO4 के रूप में तोड़ दो, ऐसा बन जाएगा। लिख रहे हैं HCl बन गया बाहर, इस रूप में इसको तोड़ दो। जबकि कैल्शियम के साथ में आप डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे तो 2+ के साथ में डायरेक्ट होने वाला है, 2HF बाहर चला गया। डन। इंपॉर्टेंट है भाई, यूजेस की बात हो रही तो कॉमन सी बात है, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई ये। मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट की बात करेंगे। मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट्स, पेंट, डाई स्टफ इंटरमीडिएट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, डिटर्जेंट के अंदर यूज करते हैं, मेटलर्जी के अंदर यूज करते हैं, स्टोरेज बैटरी में यूज करते हैं, लैबोरेटरी में यूज करते हैं। सोचो ये चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ने बैठेंगे ना इस चैप्टर को, जब इसका एमसीक्यू सॉल्व करने बैठेंगे, एंट्रेंस लेवल की बात कर रहा हूं, तो ये चैप्टर एक अलग लेवल का हो जाएगा, अलग लेवल का हो जाएगा ये चैप्टर, क्योंकि आपको इतना सारा यूजेज रहेगा और इतना सारे फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगे कि सर ये कहां से आ रहा है, सर ये कहां से आ रहा है। इसलिए आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इतनी बार पढ़ लो, इतना टेक्स्ट बुक का घिस डालना कि वो आपको लगना चाहिए यार अलग ही लेवल है। यस, आ रहा समझ में? यस और नो? क्लोरीन की बात होने वाली है। सर क्लोरीन में क्या होगा? क्लोरीन जो होता है बच्चे, उसको जर्मन स्वीडिश केमिस्ट ने डिस्कस किया था 1774 में, एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। तो जनरली क्लोरीन का मतलब है क्लोरस, ग्रीनिश येलो बोलते हैं, कलर से पता चल गया। अब इसका रिएक्शन भी आपको दिया होगा आगे, ये देखो इस तरह से क्लोरीन को हम बनाने वाले। क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग फॉर्मूला, तो मैंगनीज ऑक्साइड से बनाएंगे। तो ये क्लोरीन बनाने का एक बढ़िया सा मेथड है। सर ये इंपॉर्टेंट है, यही वाला इंपॉर्टेंट है, सब नहीं, यही मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे पहले मेथड बनाया गया था कि भाई क्या होता है जो या क्लोरीन को बनाने का क्या मेथड है मैंगनीज डाइऑक्साइड से। तो याद रखना कि यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, MnCl बन गया, MnCl2, एच और ओ बाई डिफॉल्ट H2 बनेंगे, बाद में Cl2 आपका बाहर चला गया, ठीक है। दूसरा मेथड तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। उसके बाद क्लोरीन ऑल्सो प्रिपेयर बाय एक्शन ऑफ कॉन्सेंट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दो मेथड आपको दिया गया है, ये दोनों इजी मेथड है मैं कहूंगा। कैसे सर? देखो NaCl प्लस H2SO4 हमने पीछे किया था, आपको भी याद होगा, HCl बाहर चला गया और ये इस तरह से बन जाएगा। और दूसरा जो है MnO2 और HCl वाला हमने अभी अभी किया कि भाई ये MnCl2 बन जाएगा, फिर यहां से H2O बन जाएगा, यहां से Cl2 बन जाएगा, इसको हम बैलेंस बैलेंस करते हैं तो चार, बाद में इन दोनों को ऐड कर दो, बैलेंसिंग यहां पे चार हो रही, सब ऊपर वाले को चार से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि ये मेरा चार HCl चार HCl करे और दोनों को ऐड कर देंगे। आए समझ में? ये इस तरह से आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, डिकॉन प्रोसेस। एक मार्क के लिए, दो मार्क के लिए कई बार आया हुआ है। आप डिकॉन प्रोसेस से कैसे बनाने वाले क्लोरीन? तो HCl में मुझे O2 मिलाना है क्यूब कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, कुछ नहीं होगा, सिर्फ देखो यहां पर H और O H2 बन गया, Cl2 बाहर चला गया, सिंपल एकदम। यस, आया समझ में? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस सिर्फ समझने के लिए कि NaCl मिलाएंगे तो Na+Cl- आएगा, फिर Cl इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये क्या करेगा, जो माइनस होता है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो बाद में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, लेकिन ये तो दो होता है तो Cl को करेंगे तो Cl2 मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या है भाई, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, हैविंग पंजेंट एंड सफोकेटिंग ओडर होता है। सफोकेटिंग मतलब सांस फूल रही, मेरी सांस फूल रही, एसी नहीं चालू है, कमरा बंद है, गैस की कमी हो रही है, सर क्या करोगे सर, मतलब समझ रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, सफोकेशन हो रहा है, मतलब कि आप ऑक्सीजन आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पॉइजनस नेचर का होता है। कैन बी इजिली लिक्विफाइड होता है ग्रीनिश लिक्विड में, विच इज बॉइल एट 293, डिजॉल्व इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर, और ये थोड़ा सा हैवियर होता है एयर के कंपेयर में, चलेगा? यस, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी, किसी को भी कोई डाउट? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन क्या है सर? तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरीन में सिंपल, मेटल के साथ में अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा तो भाई मेटल के हैलाइड बन जाएंगे, तो इस तरह से क्लोराइड, ब्रोमाइड या फिर क्लोरीन है तो क्लोराइड ही बनेगा, फेरिक क्लोराइड, इस तरह से रिएक्शन विद नॉन मेटल में भी क्या बन जाएगा, देखो P4+Cl2 PCl3 H2Cl2, ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है,
ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कई बार आता है कि एस टू प्लस सीएल टू मिलाने पे क्या बनेगा, लोग कंफ्यूज। एस टू का फोर एस टू लिखेंगे और सीएल टू वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से तो भाई भर भर के रिएक्शन करता है, HCl बनेगा, फिर H2S के अंदर CO2 मिलेंगे तो इस तरह से सल्फर निकल जाएगा, तो मतलब ये हाइड्रोजन साथ में रिएक्शन करता है और HCl बना देता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया, यहां पर एक पैटर्न दिख रहा है आपको, एक बार NH3 एक्सेस लिया है, एक बार CL2 एक्सेस लिया है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। जब एक्सेस लेंगे ना जिस चीज को, वो चीज दोनों प्रोडक्ट में बनेगी, वो चीज दोनों प्रोडक्ट में बनेगी, समझ में आया? यस, आया समझ में? मतलब एक्सेस अमाउंट में अगर मैंने लिया है तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका H इसका Cl मिलके NH4Cl बन जाएगा, लेकिन सर आपने इसको ज्यादा अमाउंट मिला तो ये N2 भी रिलीज करेगा, दो प्रोडक्ट में NN आएगा, जबकि यहां पर दोनों प्रोडक्ट में सिर्फ ClCl आएगा, तो एक NCl3 आ जाएगा और एक HCl आ जाएगा, सिंपल बैलेंस बैलेंस बैलेंस्ड। नेक्स्ट रिएक्शन अल्कली, ये तो सिर्फ बेसिक समझाने के लिए है कि अगर हमने NOH के साथ में Cl2 मिलाया, आपने पढ़ा होगा ये NOH प्लस Cl2, याद है हाइपो हाइपो, याद है सोडियम हाइपो हैलाइड, ये वही रिएक्शन है जहां पर आप बोलते थे कि सर NaCl NaNOCl देखो ये हम लिखते थे ऑर्गेनिक में, याद आया? वो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है। CH प्लस Cl2 लेंगे तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, तो ये आपका हाइपो हैलाइड है और ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, ये तो बस बेसिक है, मीथेन को मिला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन, यहां पर आपको मिल जाएगा 1.2 डाइक्लोरोएथेन, इस तरह से मतलब अनसैचुरेटेड जो है आपका क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड बन जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर अगर Fe2+ है, देखो यहां पर आपका Fe3+ हो चुका है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो सल्फ जो क्लोरीन है वो कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीडेशन करने में मदद कराया, यहां पर प्रॉपर्टी को समझो, बस वही चीज यहां पर भी बोला है, ठीक है। यहां पर S4 है, यहां पर S6+ हो जाएगा, यहां पर I0 है, यहां पर I कितना हो गया भाई, 3 × 5 हो जाएगा यहां पर, मतलब ये Cl2 की वजह से ऐसा हो रहा है कि ये क्या कर रहा है, सबको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लीचिंग ग्रुप में काम कैसे करता है कि जब मैं Cl2 को H2 के साथ में मिलाता हूं, इसका एक HCl HCl बन जाता है और HOCl बन जाएगा, और आगे जाके इस HCl को तोड़ेंगे तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है बच्चे क्लोरीन ब्लीचेस वेजिटेबल मैटर और कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कलरलेस मैटर, मतलब कलर्ड जो ऑर्गेनिक मैटर है अगर उसमें ओ आपका मिल गया तो वो कलरलेस बन जाएगा, और ये ओ मिलता कहां से है, इस क्लोरीन वाले रिएक्शन से मिलता है। इसीलिए आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि सर हमने ये सुना है, देखा है, जाना है, पढ़ा है, सब हमको पता है। क्या पता है सर? हमको ये पता है कि जो क्लोरीन होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के रूप में काम करता है। आपने देखा कि जब हम कपड़ों को देते हैं ब्लीचिंग वाले को, साफ सफाई करने वाले को, तो वो क्लोरीन कहीं ना कहीं यूज करता है, क्योंकि उसको नेसेंट ऑक्सीजन चाहिए रहता है वहां से। यूजेस इंपॉर्टेंट है, यूजेस जो कि एक बेसिक सा यहां पर लिया हुआ है, कोई इतना दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यूजेस में, मतलब बहुत सारा है इसलिए दिक्कत हो सकती है। प्यूरिफिकेशन के लिए करते हैं पानी के, ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर रेयन, ठीक है, ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल में करते हैं, मेटल को साफ सुथरा बनाने के लिए करते हैं, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोल सकते हैं, इन सब के लिए हम करते हैं, चलेगा, है कि नहीं? फिर मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, CCl4, CH3, DDT, ये सब बनाने के लिए, इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस के लिए भी करते हैं, याद करो ये गैसेस के फॉर्मूले, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जहां पर आपको फॉजिन गैस मिलेगा, टीयर गैस मिलेगा, मस्टर्ड गैस मिलेगा, ये गैसेस के बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। चेक कर बच्चे, चेक कर, ज्यादा नहीं भाई, बस आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, आधे घंटे से भी कम टाइम में, क्योंकि कुछ है नहीं इसके अंदर। हाइड्रोजन क्लोराइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबर इन 1648 हीटिंग कॉमन सॉल्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, चलेगा, शोड दैट इट इज द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखो सिंपल है, कॉमन सॉल्ट को मैंने क्या मिला, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बन गया सर, यहां से इसको तोड़ दो, ये पीछे किया था आपने, ये बन जाएगा HCl, और सॉरी ये HSO4 में तोड़ दो, तो ये बन जाएगा HCl और ये बायसल्फाइड आपका बन गया, देखो इस तरह से, और बायसल्फाइड में जब मैंने NaCl वापस से मिलाया तो Na2 बार और ये वापस से बन जाएगा HCl, इस तरह से भी चीजें बन सकती हैं, चलेगा, डन। फिजिकल प्रॉपर्टी एक ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक ही प्रिपरेशन है,
या कंबाइंड फॉर्मेट में मैं बोल सकता हूं, तो इसका ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके सेलेक्टेड हैं सिर्फ एक ही प्रिपरेशन है कि HCl बनाने का आपका एक ही मेथड है, और मेथड है कि NaCl plus H2SO4, एक बार मिलाओ या दो बार मिलाओ, दोनों में वही बनने वाला है। फिजिकल प्रॉपर्टी नो डाउट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है भाई, कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, कैन बी इजीली लिक्विफाइड होती है, और इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। डन। केमिकल प्रॉपर्टी, तो एसिडिक प्रॉपर्टीज के अंदर पाया जाता है, वो सबको पता है। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और HCl ने अपना H प्लस रिलीज किया, इसलिए क्या होगा, बड़ा अच्छा एसिड माना जाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर बिलोंग करता है। रिएक्शन विद अमोनिया बड़ा बेसिक सा रिएक्शन है, ये H इसके पास जाएगा, अमोनियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट बन जाएगा। यस, रिएक्शन विद नोबल मेटल, तो ऑब्वियस ही बात है, नोबल मेटल का मतलब हो गया जैसे कि सिल्वर, प्लेटिनम, इस तरह से, तो नोबल मेटल गोल्ड डिजोल्व इन एक्वा रेगिया, ठीक है, ये ध्यान देना यहां पर, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान दो यहां पर, व्हेन थ्री पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल ध्यान देना यहां पर, एंड वन पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड वन पार्ट ऑफ HNO3, तब आपको इसके मिक्सचर से क्या बनता है, एक्वा रेगिया बनता है, ध्यान देना यहां पर, क्या बोला जा रहा है, बोलो क्या बोला जा रहा है, फिर से देखो, ये 3HCl और एक HNO3, बस मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट कई बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड, लास्ट टॉपिक, यस, ये रिवीजन हो रहा है बच्चे, और मैंने बोला था कि जो कंसेप्चुअल पार्ट होती है जिसमें लिखना होता है उसमें लिखेंगे, लेकिन ये सब आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग के ऊपर डिपेंड है, कितना बढ़िया आपने घिसाई की है अपने लेवल पर, ये पूरा का पूरा कंसेप्चुअल कहीं ना कहीं आपको तभी समझ में आएगा जब आप कई बार रीड किए रहेंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ बताने ऐसा नहीं है, यूजेज में कुछ बताने ऐसा नहीं है, जो है वो है। रिएक्शन में बहुत ज्यादा आपको स्कोप नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, या कुछ ऐसे लोग जहां पे थोड़ा बहुत बोलते ना कि थोड़ा बहुत कंटेंट आपको लगेगा कि हाँ समझना ऐसा है, अदरवाइज बाकी सब आपको बार बार रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है, बार बार रीड करने वाला है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या, तो भी आपको फुल मिलेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट मैंने इतना दे दिया आपको जिसमें से चांसेस 101% उसी में से बनेंगे, पेपर में उसी में से बनेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटर हेलोजन कंपाउंड पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप इंटर हेलोजन को छोड़ने का मन बना रहे हो तो इसको मत छोड़ो, इसको पढ़ लो चलेगा। इंटर हेलोजन होता क्या है भाई, जैसे कि आप जानते हो कि एक्स एक्स डैश या एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 या एक्स एक्स डैश 7, जब हेलोजन का हेलोजन से रिएक्शन होता है तो वो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, चलेगा। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट हेलोजन, द इंटर हेलोजन कंपाउंड जो होते हैं इज रिगार्डेड एज द हैलाइड ऑफ द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हेलोजन, अ गिवन हेलोजन फॉर्म्स एन इंटर हेलोजन कंपाउंड ओनली विद द हेलोजन हैविंग लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए तभी मजा आने वाला है, yes, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ आपको दिया गया है कि किस तरह के लोग बन सकते हैं, क्लोरीन में जैसे कि CLF, CLF3, CLF5 बन सकता है, ब्रोमीन के लिए भी कुछ वैसे ही लोग बनेंगे, आयोडीन आपका बना सकता है मैक्सिमम 7 तक बना सकता है, ठीक है, बाकी सब आपके जो है कि 3-5 तक ही बनाएंगे। ये कुछ एग्जांपल्स है, एक्स एक्स डैश वाले में 1 वाले एग्जांपल, 3 के लिए 3 वाले एग्जांपल, एफ में देखो सब आएंगे, एफ सबके साथ रहेगा क्योंकि एफ का साइज छोटा होता है, तो छोटा वाला बंदा हर किसी के साथ जुड़ सकता है, आया समझ में, और जो बड़ा बंदा है उसको एटीट्यूड आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है दिमाग में, सही बात है, और एक बार एटीट्यूड आ गया तो फिर वो किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, जैसे कि अभी आई आई नहीं बोलेगा मैं एफ के साथ जुड़ूंगा, एफ को जाना पड़ेगा आई के साथ जुड़ने के लिए, आई बोलेगा मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन है आ जाओ जिसको आना है, तब 7 एफ मिलकर जाएंगे उसके पास जुड़ने के लिए, आया समझ में। तो ये दिमाग में सेट करना कि जो एक्स एक्स डैश जो मैं लिखता हूं, तो ये जो एक्स होगा वो लार्जर साइज वाला होने वाला है, और ये जो एक्स होता है वो स्मॉलर साइज वाला होता है, चलेगा। इसको हम बोल सकते हैं ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ रहेगा, या फिर लिख सकते हैं लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, जो भी ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पर, और ये जो होगा उल्टा होने वाला है, उल्टा मतलब लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव या फिर मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव,
या फिर हम बोल सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, चलेगा समझने के लिए सिर्फ वही चीज मैंने यहां पे लिखा है आपको, जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा हुआ है। देन आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो मैंने पूरा ही बता दिया है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है इसकी प्रॉपर्टी बताना है। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी में बताना है कि अगर आपने रेशियो ले लिया रेडियस ऑफ एक्स और रेडियस ऑफ एक्स डैश का, अगर वो वैल्यू बढ़ेगा बच्चे रेशियो, तो आपका एन का वैल्यू भी बढ़ेगा। सर एन किसको बोलते हैं? तो बहुत से लोग को नहीं पता होगा, ये देख लो जरा इस तरह से, जहां पे एन का मतलब हमने 1, 3, 5 और 7 लिया था। कुछ याद आया? याद आया आई एफ 7 है, तो 7 क्या है? एन का वैल्यू है, खत्म। अब हैलोजन आइटम जो होगा मेरा इंटर हेलोजन कंपाउंड जो है बच्चे इवन नंबर में पाए जाते हैं, 2, 4, 6, 8 आप देख लो, ये एक हैलोजन और ये एक हैलोजन मिलकर 2 हो गए, ये एक और ये 3 मिलकर 4 हो गए, तो इस तरह से टोटल हैलोजन इस तरह से मिलेंगे। प्रॉपर्टी जो होगी बच्चे वो दोनों के बीच वाली रहेगी, जनरली इंटरमीडिएट रहेगी दोनों हैलोजन के, मतलब आप जो भी लेंगे आई एफ 7 लिया तो आई एफ 7 की प्रॉपर्टी आई और एफ के बीच वाली प्रॉपर्टी रहेगी। आया समझ में? सेंट्रल एटम जो होगा आपका हैलोजन वाला वो जनरली डिफरेंट ऑक्सीडेशन लेके चलेगा, उसका एक ऑक्सीडेशन नहीं रहेगा, उसका बहुत सारा रहेगा। जैसे आई एफ 7 है तो आई एफ 5 भी बन सकता है, आई एफ 3 भी बन सकता है, मतलब आई 3, 5, 7 ये सब बनाएगा। नंबर ऑफ एक्स एटम जो रहेंगे बच्चे वो आपके हमेशा ऑलवेज ऑड नंबर में रहेंगे और सबके सब डायमैग्नेटिक का नेचर दिखाएंगे। कोई दिक्कत? ये नाम आपको करना है एज अ होमवर्क, इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? इसको देख के करेंगे, कुछ इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आने वाला है यहां पर प्रॉपर्टी, वापस से थोड़ी सी प्रॉपर्टी है बच्चे, ये थोड़ी सी बहुत प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? जैसे कि CLF है, कलरलेस गैस होता है, BRF है, पेल ब्राउन कलर होता है गैस के रूप में, BRCl गैस के रूप में है, ICl रूबी रेड सॉलिड होते हैं, ब्राउन रेड सॉलिड होता है आपका, IBR ब्लैक सॉलिड है। ये प्रॉपर्टी है, ये सब आपने पहले रीड किया होगा तो ही मजा आएगा। CLF3 कलरलेस गैस है, BRF3 यहां पर येल्लो आपको मिल गया, येल्लो ग्रीन लिक्विड होता है, IF3 आपका पाउडर फॉर्म में होगा और ICl3 आपका डाइमर होता है बाद में, जो I2Cl6 बन जाता है, यहां पर Cl का ब्रिज बनता है। XX-5 है, कलरलेस गैस होगा आपका, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, लेकिन सॉलिड होगा बिलो 77 केल्विन। BRF5 की बात करेंगे कलरलेस लिक्विड है, CLF5 की बात करेंगे कलरलेस लिक्विड है, लेकिन XX-7 में IF7 आता है जो कि कलरलेस गैस होता है, तो ये आपके लिए अलग से एकदम दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ बोल सकते कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन का मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाया गया। जैसे कि Cl2F2 मिला है तो 2 CLF बन गया, I2Cl2 मिला है तो 2 ICl बन गया, मतलब कहां से बनते वो बताना है। Br2Cl2 बनाया तो BrCl बन गया। कभी कभी हैलोजन वाले लोग से ही मैं बनाता हूं, मेरे पास तो ये इंटरनल कंपाउंड है BrF3, उसमें मैंने Br मिला दिया तो अब 3 BrF बन गया, ठीक है। या मेरे पास स्पेशल रिएक्शन होता है ICl के लिए, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड में आइट मिला दिया तो मैंने ICl मुझे मिल गया। ऐसे कुछ रिएक्शन है जो आपको समझना है, ठीक है। जैसे Cl2Br2 मैंने एक्सेस में ले लिया तो ClBF3 बन गया, या Br2F2 ले लिया तो 2 कॉमन ले लिया तो BrF3 मिल गया, मतलब इस तरह से एक्सेस मिल गया तो देखो यहां पर Cl ज्यादा अमाउंट में आ जाता है, ठीक है। यूजेस आपको पढ़ के लेना है, जैसे XX-1 मतलब 1 वाले लोग का ICl इज यूज्ड टू डिटरमाइन आयोडीन वैल्यू इन ऑयल, ऑयल के अंदर आयोडीन कितना पाया जाता है, कैटलिस्ट के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड है, जो कि यहां पर भी मुझे दिखेगा प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहैलाइड XX-3 वाले में भी, फ्लोरेटिंग एजेंट के रूप में दिखता है, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट के रूप में दिखेगा। ये सब आपको एकदम बेसिक है, ये चीज पढ़ के जाओ भाई, ये चीज पढ़ के जाओ। MSCCT में तो अलग लेवल का होता है, लेकिन यहां पर पढ़ के जा रहा है बोर्ड लेवल पर भी, आपको नाम क्या होता है सबको पता है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख के जाओ, बॉन्ड एंगल वाला हिसाब किताब, बाकी जो शेप है वो पढ़ के जाओ। ICl जो लीनियर होंगे ना, लीनियर ICl वो लीनियर होने वाले, और जो Cl3 वाले होंगे मतलब F3 वाले जो जितने होंगे वो सब आपके एक शेप वाले रहेंगे। तो ये 3 वाले 5 वाले का भी स्क्वायर पिरामिडल एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं। 1 वाले लीनियर, 3 वाले बेंटी शेप और 5 वाले स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन, तो ज़ेनॉन के कंपाउंड के बारे में बात करेंगे तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अब हमको पता है कि ज़ेनॉन जो होता है ड्यू टू लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी और हायर आपका क्या था बच्चे उसका रेडियस था, इसकी वजह से वो भी क्या करता है ऑक्सीडेशन दिखाता है और इसलिए वो रिएक्शन भी करता है। तो कुछ रिएक्शन आपको यहां पर समझना है, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ज़ेनॉन में, ज़ेनॉन फ्लोरेट में मैंने H2+F2 मिला दिया, मुझे XF2 मिल गया, ये 2 बना रहा है, लेकिन H2+F2 अगर मैंने मिला दिया दूसरे पैटर्न में 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास 5-6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया तो वह XeF4 बना देगा, XE2F2 ले लिया तो XeF4 बन जाएगा डायरेक्टली आपको। यहां पर देखो सब अलग अलग दिया है, यहां पर XeF2 ले लिया मैंने, पैटर्न चेंज कर दिया लो टेम्परेचर पे तो आपको XeF6 बन जाएगा, -80 डिग्री सेल्सियस पे लिया XeF4 बन जाएगा, 5-6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया मैंने
आपको मिल जाएगा HCF4, मतलब बनते वही है लेकिन आपको कंडीशन चेंज करने पर भी चीजें दिखती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है तो HCF2 को अगर पानी मिलाएंगे तो HF बाहर चला जाएगा और आंसर बन जाएगा 2HCF का बन जाएगा। रिएक्शन विद PF5 लेंगे वही सेम चीज, HCF2+PF ले लो तो यहां पर आपको सिर्फ एडिशन प्रोडक्ट अडक्ट बोलते हैं, कहीं भी लिखा हुआ तो अच्छी बात है, अडक्ट देखो यहां पर लिखा है अडक्ट, ये अडक्ट बनाता है मतलब समझ रहे एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। डन। ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड क्या होगा सर, प्रिपरेशन ऑफ ज़ेनॉन ट्राइऑक्साइड तो आप बोलेंगे HCF4 में अगर मैंने पानी मिला दिया इस तरह से, एक HC बाहर जाएगा HCO3 बनाएगा, 12HF जा रहा है आपका O2 बाहर चला जाएगा, और HCF6 में अगर मैंने H2 ले लिया HCO3 बाहर जाएगा 6HF के साथ। मतलब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला कि जितना इंपॉर्टेंट उतना करके लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़ेनॉन वाला, नहीं, आपको जितना इंपॉर्टेंट मैंने बोला है वो पढ़ के ही जाना, ओपनली बोल रहा हूं पढ़कर ही जाना, ठीक है। ये सेम चीज रिपीट हो गई, ओहो हो 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 क्या बात है सर, ये तो मजा आ गया देख के, मतलब दिस इज द एंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, मजा आ गया एकदम। हालांकि अब बोले सर बड़ा चैप्टर था जल्दी खत्म हुआ, अगर आप लॉजिकली देखेंगे बड़ा चैप्टर था जल्दी खत्म हुआ, उसका रीजन क्लियर है एकदम, क्योंकि ये चैप्टर में आपको थियरी है जो रीड करना है, आप ये चीज समझ नहीं रहे हो, चैप्टर को रीड करना है ज्यादा करके, इस चैप्टर को आपको मैक्सिमम रीड करना है। सर कल से क्या होगा आपको बताया जाएगा, शाम तक या कल तक आपको एक मैसेज मिलेगा जहां पर हम आपको बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। मैं बता रहा हूं कि यार शॉर्ट बैच वालों को ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि यार छोड़ने वाले नहीं है सर, मतलब हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, फिर LMR सीरीज के अंदर भी पूरा कंटेंट लाइव लेक्चर लिया है, 16 के 16 चैप्टर वेल प्रिपेयर पढ़ाकर, हालांकि ये थ्योरी चैप्टर था लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर थे जो कंसेप्चुअल वाले पार्ट थे वो सब हमने लिखाया दोबारा से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पूरा नर्सिंग क्वेश्चन लिखवा के दिया, ठीक है। या बोल सकते हो कि हाँ सर पूरा एक एक चीज आपने डायग्राम से लेकर हर एक चीज आपने दोबारा करवाया, भले ही हमारे थोड़े से लेक्चर्स बड़े होते थे, वन शॉट होता सर 2 घंटे का लेक्चर में हो जाना चाहिए, लेकिन आपने 3-3, 4-4 घंटे का लेक्चर ले लिया, उसका रीजन ये था क्योंकि हम आपको दोबारा से एक बार अच्छे से बताना चाहते थे, ठीक है। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट यही है कि यार मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन करो, मैक्सिमम रिवाइज करो, सारी चीजें सब छोड़ दो, अभी अब छोड़ दो, अब कोई मोह माया नहीं रखना है अपने पास, यस, अब कोई अपने पास मोह माया मत रखो, मेरा दोस्त मेरा यार मेरा संगी मेरा साथी नहीं, अब सिर्फ तुम्हें अपने लिए जीना है, यस। और एक बार जब तुम ये कर लोगे ना भाई, एक बार जब तुम कर लोगे ना काम खत्म तुम्हारा, मतलब ट्रस्ट करो आपको मजा आ जाएगा, जितना घिसाया तुम 12th में करोगे उतना फायदा आपको आने वाले 2 महीने में होने वाला है एंट्रेंस के लिए। जो बच्चा इसको 10 बार पढ़ा रहेगा ना चैप्टर को एंट्रेंस में, उसको ना मेहनत नहीं लगने वाली, उसको लगेगा सब याद है मेरे को, अंडरलाइन किया है मैंने, सब बुक में पढ़ाई किया है। तुम 2 महीने में जब पी ब्लॉक पढ़ने बैठोगे ना एग्जाम के बाद, एक तो एग्जाम के बाद ऐसे ही माइंड खाली हो जाता है क्योंकि आदमी हल्का हो जाता है, बोलता है MSc CT है ना चलेगा, वो तो थोड़े मैं छोड़ के आने वाला हूं, अभी इसमें क्या है पेपर में आंसर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे आप, लेकिन MSc CT में थोड़े छोड़ेंगे, ए ए ए बी 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 कुछ भी मार्क करके आ जाएंगे, सही बात है। तो आपको लगता है कि मैंने पेपर तो फुल लिखा, आप अलग लेवल पर चले जाते हो, है कि नहीं, यस यस और नो। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और जुट जाओ अपने जंग में, मैदान जंग में उतर जाओ एकदम। अब मुश्किल से आपके जिंदगी के 20 दिन बचे हैं, 18 दिन बचे हैं, जिसमें से प्रैक्टिकल भी चल रहा है। सर सर जिंदगी के मतलब, अरे जिंदगी मतलब ये चीज थोड़ी दोबारा आने वाली यार, तो 12वीं का बड़ी जंग का दोबारा देने वाले हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम का सोच रहे हो क्या, पागल वागल हो गए तुम लोग, हैं ऐसी चीजें बार बार नहीं आती, अपना मौका मिला है दिखा दो एकदम, पूरा जान लगा दो, और जान लगाने वाले को मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा, गारंटी बोल रहा हूं, आप मेहनत करो आपका रिजल्ट खराब नहीं होगा, जितना एक्सपेक्टेशन आपकी रहेगी उससे कहीं अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय एवरीवन।